सकती हूँ तो, क्योंकि इसकी आवाज तो मुझे आई नहीं। चल कोई बात नहीं, थैंक यू। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं। आप सभी लोग यहां तक पहुंचे और अब अपने सफर की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक बार फिर से नमस्कार। आप सभी लोग अपने माइक्स को म्यूट पर ही रखेंगे पूरी जर्नी में। मैं बार बार बोल रहा हूं, अपने माइक्स को म्यूट पर रखेंगे। किसी को भी बात करने की इजाजत तब तक नहीं है जब तक मैं इजाजत ना दूं या टीम आपको कोई भी इंस्ट्रक्शंस ना दे। करना क्या होगा? वैसे तो आप सभी लोगों के पास में मैसेजेस आए होंगे कि इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। मैं फिर भी आप सभी लोगों को एक ग्लिम्प्स देता हूं। आप सभी लोगों को माइक म्यूट पर रखना होगा। साथ ही साथ में अगर कोई भी क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में सिर्फ लिखना होगा। चैट बॉक्स में क्या लिखना होगा? आपका क्वेश्चन और आपका नाम। कई बार कई लोग किसी और नाम से जूम में लॉगिन किए हुए होते हैं। ऐसे लोगों को टीम, जिनका ईमेल आईडी अलग होगा, वो हटा देगी या मैसेज ड्रॉप करेगी। सिर्फ वही लोग जो रजिस्टर होकर आए हैं इस सेशन को अटेंड कर पाएंगे। हम सभी लोगों को, मुझे और मेरे सहयोगी जितने भी हैं, हम सब लोगों को कुल मिलाकर ये बीवीसी बिगिनर वास्तु कोर्स के लिए 1180 रिक्वेस्ट आई। 1180 रिक्वेस्ट में से पहले हमने 150 और अब लगभग 175 लोगों को सीट्स अलॉट की। और टोटल सीट्स इस जर्नी में 350 रहेंगी, जैसा मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था। अब हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करेंगे ईश्वर का नाम लेते हुए, नमन करते हुए, अपने गुरु को, अपने परिवार वालों को, अपने बुजुर्गों को नमन करेंगे, याद करेंगे। और हम कोशिश करेंगे कि अगले 3 महीने में या अगले 8 जो बेसिक बिगिनर सेशंस हैं, इनके बाद में आप सभी की लाइफ में बहुत चेंजेस आए और आप सभी की लाइफ बहुत बेहतरीन बनती चली जाए। मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत वेलकम, स्वागत करना चाहूंगा इस सेशन में। जो लोग आगे तक भी जा रहे हैं उनका भी बहुत बहुत स्वागत। वेलकम टू बिगिनियर वास्तु कोर्स। आप सभी का एक बार फिर से बिगिनियर वास्तु कोर्स बाय आचार्य पंकित गोयल में स्वागत है। What you will learn in this free beginner Vastu course? आप लोग क्या सीखेंगे इस free beginner Vastu course में? So ये जो topics लिखे हुए हैं, वैसे आप सभी लोगों के पास आए भी होंगे, मैं फिर भी इन topics को पढ़ के बताता। Attributes of 16 directions, वास्तु में 16 दिशाएं हैं। 5 elements को detail में पढ़ेंगे। How to design remedies, how to make to the scale plan, effect of 32 entrances, easy treatment of every problem, role of toilet in every direction, objects and paintings in different directions, how to grid map, health chart,
role of kitchen in every direction, different activities in every direction, जैसे washing, dining, bedroom, etc., etc., how to take degrees, how to mark marmas, disha shul, points to design new house as per vastu. बहुत सारे लोगों ने बोला कि वास्तु के ट्रीटमेंट्स तो फिर भी आ जाते हैं, नया घर कैसे डिजाइन करें ये हमें आ नहीं पाता. टी पॉइंट जंक्शन इन डिटेल, शेरमुखी एंड गौमुखी प्लॉट्स का सिलेक्शन, क्रिएटिंग द वर्चुअल एंट्री वास्तु फॉर कमर्शियल प्लेसेस इंक्लूडिंग इंडस्ट्रीज, इररेगुलर प्लॉट्स, टॉपिक ऑफ वैदिक वास्तु विद द हेल्प ऑफ विश्वकर्मा प्रकाश, और कुछ टॉपिक्स जो मैं अभी रिवील नहीं करूंगा. ये जितने भी कंटेंट आपके सामने हैं, ये लगभग पहले 5 या 6 सेशन में कंप्लीट हो जाएंगे. लास्ट के 2 सेशन स्पेशल हैं और उनमें बहुत कुछ अलग है. आगे बढ़ते हैं. आप सभी के लिए एक छोटा सा संदेश. मेरे बड़े भाई, मेरे बहुत अच्छे दोस्त जिनसे मुझे प्रेरणा मिली, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा, पिछले कुछ समय से इनके साथ में इनके लिए काम करने का मौका मिला, और जब उन्हें ये पता लगा कि मैं ये फ्री कोर्सेज लॉन्च कर रहा हूं, मैं और मेरे सहयोगी टीम, हम लोग फ्री कोर्सेज एक भाव से लोगों तक देना चाहते हैं, तब इन्होंने, उससे पहले हर सेलिब्रिटी, एक बड़े तबके का इंसान डरता है ऐसी बातों को पब्लिक में करने से, तब इन्होंने इस मोटिव को सुनने के बाद एक वॉइस मैसेज मेरे लिए रिकॉर्ड किया, भेजा और कहा कि आप इसको लोगों से साझा करो, बताओ कि हाँ आपको मैं ऑथोराइज करता हूं, मैं तेरे साथ में खड़ा हूं और मेरे लिए आपने कैसे काम किया. सुनते हैं बॉलीवुड के स्टार मिक्का सिंह का एक छोटा सा स्पेशल मैसेज. माय बेस्ट फ्रेंड आचार्य पंकित, बहुत अच्छा. नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम. मैं दोस्तों, मैं मिक्का सिंह, एंड मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप वास्तु के लिए किसी को ढूंढ रहे हैं तो यू शुड कॉल माय बेस्ट फ्रेंड आचार्य पंकित. बहुत अच्छा काम करते हैं, स्पेशली वास्तु में. ही इज नंबर 1 एंड माय बेस्ट विशेस टू पंकित एंड हिज एंटायर टीम. So, उम्मीद है आप सभी लोगों को ये मैसेज पसंद आया होगा. इन लोगों ने, जिन भी लोगों ने इस जर्नी में आने का अपना इंटेंट दिया, एनरोल किया, उन सभी लोगों के लिए मिक्का बाजी ने ये मैसेज भेजा. मुझे खुद चलकर बोला कि हम साझा करते हैं लोगों से कि हमारे विचार क्या हैं, कैसे आप ऐसा काम कर सकते हो, क्या विचार आए, तो उनका ये मैसेज आया. अब हम आगे की जर्नी को स्टार्ट करेंगे. उससे पहले मैं आप सभी लोगों से पूछना चाहूंगा, आर यू रेडी? अगर आप सब लोग तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए रेडी. फटाफट से भर दीजिए कमेंट बॉक्स को. अगर आप सब लोग तैयार हैं तो लिखिए रेडी. मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स को पढ़ूंगा, देखूंगा कि कौन इस जर्नी में आगे अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए जुड़ा हुआ है. फटाफट से लिखिए आर यू रेडी.
सो आई थिंक कि सभी लोग तैयार हैं. आवाज रिपीट हो रही है. अब हम आगे बढ़ेंगे. आवाज रिपीट हो रही है. So, आप सभी लोगों को अब आगे लिखना है आप सभी की अभी की इच्छा जो आप अगले 3 महीने में पूरी करना चाहते हैं. फटाफट से लिखिए. मैं आप सभी की इच्छाओं को अभी पढ़ूंगा और गाइड करूंगा. आपकी इच्छा क्या है? आप क्या सोचते हैं? आपको क्या जिंदगी में पाना है? तुरंत लिखिए. जैसे मुझे 1 करोड़ रुपया चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, मेरा रिलेशनशिप अच्छा हो जाए. तुरंत लिखिए कि आपकी इच्छा क्या है. What is your desire that you want to fulfill? You want to manifest. ऐसी क्या इच्छा है जिसको आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, पूरा करना चाहते हैं? अपने नाम के साथ में लिखिए. मेरे पास कुछ इच्छाएं आई होंगी चैट बॉक्स में. लोग लिख रहे होंगे. एक इच्छा है, आई वॉन्ट टू बी इन 30 करोड़ इन फाइनेंस. वाओ. Abundance of wealth. Want a successful life. To become more successful businessman. Want to be financially independent. बड़ी अच्छी इच्छाएं आप सभी लोगों की है. लिखते रहिए. लिखिए 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 तुरंत तुरंत तुरंत. क्या जो भी दिमाग में आ रहा है फटाफट. क्या इच्छा है जो प्राप्त करनी है? और मैं चाहूंगा कि हम सब लोग अगले 3 महीनों में इन इच्छाओं को पूरा करें ही करें. बहुत सारे लेवल्स मैंने बनाए हैं अपनी मैनिफेस्टेशंस को पूरा करने के, साथ में लोगों को जोड़ने के और उनकी मदद करने के. आप सभी लोगों ने देखा होगा कि मेरा मेन मोटिव है चैरिटी बिगिंस एट होम. इसी उद्देश्य से अब पूरी लाइफ मुझे काम करना है. मेरी टीम का भी सपोर्ट इसी विषय में मेरे साथ अब हमेशा है. इन लोगों ने ऐसा बोला और बहुत सारे लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग शहरों से जुड़े निस्वार्थ भाव से, फाइनेंशियली नहीं, सिर्फ मन से लोगों की हेल्प करने के लिए इस मोटिव में उन्होंने साथ दिया. तो आप सभी के लिए दिल से धन्यवाद. हम सब लोग मिलकर ऐसे ही लोगों की सेवा करते रहें ताकि हम सब लोग एक दूसरे को खुश रख सकें. आपकी टीम में ऐड होना है जी, कोशिश करेंगे. बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी लोगों ने लिखती. यही तरीका है दिमाग के सोचने का. प्रॉब्लम्स नहीं लिखनी, इच्छा लिखनी है. मेरी प्रॉब्लम ये हो सकती है कि मेरे पास पैसा नहीं है तो मुझे पैसा चाहिए. पर इच्छा ये होती है कि मुझे इतना पैसा चाहिए. प्रैक्टिकल. प्रैक्टिकल का मतलब आपने सोचा हम तो 100 रुपए रोज के कमाते हैं और मैं 1 करोड़ के सपने देखने लग जाऊं. मेरी मेहनत, मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेरी हेल्थ, सब कुछ किस दिशा में मुझे लेकर जा रहा है, ये आपको सोचना है प्रैक्टिकली और फिर लिखना है. और जो भी बातें मैं आपको चैट बॉक्स में लिखने के लिए कह रहा हूं,
ये सभी बातें आपको अपनी नोटबुक में भी लिखनी है। जैसा मैंने आप सभी लोगों को पहले भी बोला था कि आप सभी लोगों के पास एक नोटबुक होनी जरूरी है। आप उसको लिखिए, अपनी इच्छा लिखिए, जैसे मैं हर महीने 10 करोड़ रुपए कमाना चाहता हूं, कमाना चाहती हूं, इसके लिए मेरे पास 100 से ज्यादा इंप्लॉइज हैं, इसके लिए मेरे पास 10 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए मेरे पास इतना टाइम है। ये सब कुछ मिलाकर एक इच्छा बनाइए और उसको लिखिए। मैं आप सभी की इच्छाओं के प्रिंट आउट लेकर रखूंगा और फिर हम बात करेंगे इस जर्नी के कंप्लीट होने के बाद कि कैसे कैसे हम लोग इन इच्छाओं को पूरा कर पाए। इस बीच एक और मैसेज जो मैं बताना भूल गया, जो भी लोग लास्ट में इंटर्नशिप करने तक आएंगे, मेरे साथ रहकर काम करेंगे, उम्मीद है कि जिनका मैंने आपको वीडियो दिखाया उनके घर के लिए मैंने क्या काम किए, कब किए, ये भी मैं आपको वहां पर शेयर कर पाऊं। मनी इन अबंडेंस फॉर डोनेशन, ऐसा नहीं लिखना, ऐसा लिखना है कि मनी इतनी, इतने पैसे, उसमें से मुझे इतने डोनेट करने हैं हर मंथ, हर दिन, हर साल, एक फिक्स्ड इच्छा को बुनना है। जो लोग मेरी आवाज को सुन नहीं पा रहे वो लोग भी सिर्फ कमेंट करेंगे, अगर कमेंट 50 या 60 से ज्यादा आते हैं तो ही ऐसा समझा जाएगा कि ऐसी प्रॉब्लम है। तब तक के लिए पेशेंस रखिए, जिसके पास जो मैसेज पहुंचना होगा जरूर पहुंचेगा, और कुछ भी गड़बड़ होगी तो इस उड़ान में जितने भी अटेंडेंट्स आप सभी के साथ में हैं वो आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आपको कोई भी फ्लाइट से नीचे धक्का नहीं देगा। मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूं इस बात से कि व्हाट इज वास्तुशास्त्र। वास्तुशास्त्र है क्या? वास्तु वर्ड इज टेकन फ्रॉम द संस्कृत वर्ड वास, निवासे, एंड शास्त्र मीन्स अ बुक। एक संस्कृत वर्ड वास, निवासे से ये शब्द बना वास्तु, एक रहने योग्य स्थान, और शास्त्र का मतलब होता है किताब, बुक। तो एक ऐसी बुक जिसमें लिखा गया है कि एक रहने योग्य स्थान या एक व्यापारी के लिए बिजनेस को डेवलप करने योग्य स्थान, प्लेस कैसी होनी चाहिए, वो होता है वास्तुशास्त्र। ये बेस्ड किस पे है? डायरेक्शन पे है, 5 एलिमेंट्स पे है, एनर्जीज एंड प्रोपोर्शंस। डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स, एनर्जीज एंड प्रोपोर्शंस, आप लोगों को लिखा हुआ दिख रहा होगा, बेस्ड ऑन डायरेक्शंस, 5 एलिमेंट्स, एनर्जीज एंड प्रोपोर्शंस। हम इन सभी चीजों को कवर करेंगे। प्रोपोर्शंस का अभी कोई मॉड्यूल नहीं है, बाकी सभी चीजों का पूरा मॉड्यूल है कि 0 से फाइनल स्टेज तक, 0 से हीरो कह लो, 1 to 100 कह लो, या A to Z कह लो, तक पूरी वास्तु कैसे करी जाती है। उससे पहले मैप वास्तु इन रियल लाइफ, हमारी आंख को देखते आना चाहिए, दिखना चाहिए कि वास्तु रियल में कहां पर मैप करें। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे कि हमें तो विश्वास नहीं है, हमें विश्वास नहीं है, हमें यकीन नहीं है। तब आप उनको क्या बताओगे कि आपने कब ऑब्जर्व किया कि वास्तु है? तो आपको क्या ये पता है कि 8 शिवा के टेंपल 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर बने हुए हैं? 8 शिवा के टेंपल, ये आप लोगों को दिखाई देगा यहां पर। ये पूरा हमारा भारत का नक्शा है। इस नक्शे में स्टार्टिंग केदारनाथ से लेकर रामेश्वरम तक 8 शिवा के टेंपल्स, 8 शिवा के टेंपल एक ही लॉन्गिट्यूड पर बने हुए हैं। आप सभी लोग इस बात को गूगल भी कर सकते हैं और इस बात को चेक भी कर सकते हैं।
ये आपको दिखेगा केदारनाथ, और ये आपको दिखेगा रामेश्वरम, और ये आपको दिखेगा एक लाइन जिस लाइन के ऊपर ये सारे टेंपल्स बने हुए हैं। इस तरीके से आपको मैप करना है वास्तु को। उसके बाद एक केस स्टडी, हम सभी लोगों ने ये ऑब्जर्व किया कि चांदनी चौक जैसी मार्केट इस विश्व में, इस भारत के लिए सबसे बड़ा एक मार्केटिंग प्लेस, एक सबसे बड़ा बाजार क्यों है? क्योंकि चांदनी चौक जो है वो हमारे भारत के नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में आता है, जिसमें नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का जो एट्रीब्यूट है वो होता है अट्रैक्शन। तो ये एकमात्र अट्रैक्शन है जहां से सभी व्यापारी जुड़ता है, उसको उसकी इच्छा रूपी सामान भी मिलता है, और पूरे देश में नहीं विदेश में भी यहां से एक्सपोर्ट होता है। उसके बाद में आप ये देखोगे कि चांदनी चौक का जो नक्शा, जब भी आप ग्रिड करोगे, आगे जाके आप ग्रिड करना सीखोगे, तो इसकी जितने भी द्वार बनते हैं, एंट्रेंसेस बनते हैं, वो सभी पॉजिटिव एंट्रेंसेस हैं। Why Gujaratis are best businessmen? Ambani और Adani, ये best example है। ये बात मेरे दिमाग में आई जब मैं गुजरात अहमदाबाद एक विजिट पे गया, तो ट्रैवल करते टाइम प्लेन में ये बात दिमाग में आई कि मैं जहां पे जा रहा हूं वहां पर इतने बिजनेसमैन हैं, उसका कारण क्या है? उसकी मिट्टी में कुछ है, हमें मैप करके देखना चाहिए। और जब मैंने मैप करके देखा, और वैसे तो जिन लोगों को मैपिंग की जरूरत नहीं पड़ती, अगर टेंटेटिवली भी देखोगे तो गुजरात भारत के पश्चिम दिशा में आता है, और पश्चिम दिशा है गेन्स की, प्राप्तियों की, बिजनेस की, ये आप आगे पढ़ेंगे। तो अंबानी अडानी जैसे बड़े बिजनेसमैन, क्योंकि गुजरात वेस्ट में आता है इसलिए। इंडिया इज वन ऑफ द बेस्ट होटल, होटल ताज, ये भी वास्तु ऑस्पिशियस है। आप सभी लोगों ने शायद सुना होगा या पढ़ा होगा कि ताज होटल में एक एंट्रेंस थी, उसको खुलवाने के बाद में वहां पर कुछ गड़बड़ भी हुई, ऐसा प्रूफ मिलता है। मेरी केस स्टडी नहीं है ये, ऑब्जर्वेशन है। मैंने कोई वहां जाकर काम नहीं किया, सिर्फ ऑब्जर्वेटरी इनके मैप्स निकाले और ग्रिड करके चेक किया। अगर किसी को मेरी स्पीड तेज लग रही होगी या प्रॉब्लम्स हैं तो चैट बॉक्स में लिख के दीजिए, कहीं पर कुछ डाउट्स होंगे तो हम लोग इन डाउट्स को क्लियर करेंगे। जब भी मेरे सेशन का एक टॉपिक कंप्लीट होगा उसके अगले 10 मिनट में, जितने भी डाउट्स 10 मिनट में मैं कंप्लीट कर पाऊंगा चैट बॉक्स में लिखे हुए नंबरों पर, उनको मैं रिप्लाई करता चला जाऊंगा। बाकी सभी डाउट्स होंगे चैट के द्वारा ही हल पर सेशन के एंड में। महाभारत एंड वास्तु, व्हाट कॉज पांडवाज लॉस? जब पांडवों ने माया नगरी बनवाई, तब उस माया नगरी में एक सेंटर में जो उनके वास्तुविद थे, उनका नाम भी माया से ही कुछ रिलेटेड था, मैं भूल रहा हूं अभी, उन्होंने उसको डिजाइन किया तो उसके सेंटर में एक पिट छोड़ दी। सेंटर में जब भी पिट होती है, गड्ढा होता है, भ्रम स्थान होता है, जिसके अंदर अगर खड्डा हो जाए तो उत्पत्ति नहीं हो पाती, चीजें खराब हो जाती हैं, मैनिफेस्ट नहीं हो पाती और दिक्कतें आती हैं। तो वहां पर खड्डा था, और आप सभी ने देखा कि वहां पर जाने के बाद इनके साथ में हुआ क्या। डू यू नो व्हाई पेरिस इज मोस्ट अट्रैक्टिव सिटी इन ऑल ओवर द वर्ल्ड? पेरिस सबसे बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन क्यों है? क्योंकि वर्ल्ड के नक्शे पर पेरिस नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट में आता है। पेरिस जो है नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट में आने के कारण सबसे अट्रैक्टिव सिटी, सबसे लुभाने वाली सिटी, और कपल्स के लिए सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव प्लेस माना जाता है। वास्तु हर जगह है, आपके घर में, आपके गांव में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके शहर में, आपके देश में,
और आपकी दुनिया में, बशर्त ये है कि आपको पता होना चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि उपाय क्या है, हम उपाय क्या करें। क्या हम एक देश के वास्तु को सेट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम एक स्टेट के, एक राज्य के वास्तु को सेट कर सकते हैं? नहीं। क्या हम एक शहर के वास्तु को सेट कर सकते हैं? शायद नहीं। पर हम एक कॉलोनी के या एक घर के वास्तु को सेट कर सकते हैं, सही कर सकते हैं और जीवन को अच्छा बना सकते हैं। बस आंखें चाहिए और कर्म चाहिए सेट करने के लिए। इस वाली स्क्रीन को, चैट बॉक्स वाली स्क्रीन को हटा दो, और चैट आपको दिख रही है? इस ताजमहल वास्तु ऑस्पिशियस, द ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ आर्किटेक्चर एंड वास्तु। क्या ताजमहल वास्तु ऑस्पिशियस है? इसकी केस स्टडी आप सभी लोगों के साथ में शेयर करी जाएगी। मैंने खुद इसको मैप किया और देखा, बहुत सारे लोगों का एक वहम कि नॉर्थ हमेशा छोटा होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, साउथ हमेशा भारी होना चाहिए, ये वहम ताजमहल की है कि केस स्टडी को देखकर दूर होता है और पता लगता है कि वास्तु, कुछ वास्तुकार जैसे साउथ वेस्ट को हैवी करा दिया, ऊंचा करवा दिया, पानी की टंकी रखवा दी और प्रॉब्लम क्रिएट करवा दी, जबकि ताजमहल इतना बड़ा अट्रैक्शन, वास्तु ऑस्पिशियस है और उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, पूरा साउथ हल्का है, नीचा है। कैसे देखते हैं, कैसे चेक करते हैं, ये मैं आप सभी लोगों को आने वाले कुछ दिनों में, अगले सेशंस में बताऊंगा। इवन द यूएस प्रेसिडेंट लिव्स इन अ परफेक्ट हाउस, दैट इज वास्तु परफेक्ट हाउस। हमने व्हाइट हाउस को भी मैप किया। बहुत सारे लोगों ने बोला कि साइंस एंशियंट इंडियन है, इसको मानना नहीं चाहिए। ऐसा बोलने से हमने अपने ही साइंस को तवज्जो नहीं दी, उसकी वैल्यू नहीं क्रिएट की और प्रॉब्लम करी। जबकि जो लोग बाहर से यहां पर आए, उन्होंने देखा, उसको इंप्लीमेंट किया और अच्छे राज्य क्रिएट किए, अच्छी लाइफ क्रिएट की। व्हाइट हाउस भी वास्तु ऑस्पिशियस है और इसकी केस स्टडी भी हम आने वाले कुछ दिनों में शेयर करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स पर। अभी तक के लिए किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स में फटाफट से लिख सकते हैं कि कोई बात समझ में ना आई हो, कोई इंफॉर्मेशन ना हो, हम अगले 10 मिनट इस बारे में बात करेंगे और फिर दिशाओं के बारे में पढ़ेंगे। चैट्स में किसी के क्वेश्चन हो तो प्लीज आप पढ़ के बता दो, अगर दे दो मेरे को, ये दे दो। बहुत अच्छा क्वेश्चन तेजल जी ने पूछा, व्हाई कांट वी स्टडी वास्तु फॉर वेरियस टोपोलॉजीज प्लेसेस, इवन वी डिड कंपेयरिंग लोकेशंस एंड सिम्टम्स ऑफ वेरियस प्लेसेस इन इंडिया। हम क्यों नहीं स्टडी कर सकते? स्टडी कर सकते हो, किसी ने नहीं मना किया, आप स्टडी कर सकते हो। ऑब्जर्वेटरी आप दिमाग लगा सकते हो, केस स्टडीज बना सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। मैंने भी करने की कोशिश करी और शेयर किया। इज एवरीवन रिच इन गुजरात? नहीं। जनहित में जारी नहीं होती कोई भी बात। जैसे क्या एक ही बिल्डिंग में सारे मकान अगर सेम बने हुए हैं तो क्या सभी रिच हैं? बात एफर्ट्स की होती है, परसेंटेज की होती है। एक बिल्डिंग में अगर 100 माले हैं, 100 मालों पे हूबहू सेम वास्तु कंसल्टेंट ने वास्तु किया, वास्तु भी बिल्कुल सही किया, सभी अमीर या रिच या सुखी नहीं होते। कारण कि उनको अवेयरनेस नहीं है कि उनको कर्म क्या करना है। आप जो करते हो उसकी एवज में
आपको क्या सही प्राप्तियां होती हैं, ये बात। दूसरी बात एक सिम्टम्स मैच करने की होती है, क्या जिस मकान में आप रह रहे हो वो भी वास्तु ऑस्पिशियस है क्या, क्या आपकी कुंडली सही है, क्या आपकी न्यूमरोलॉजी सही है। एक ही लाइफ के फैक्टर को लेकर चलना मुश्किल है, तो इसीलिए मैंने ये सब चीजें फ्री में, लगभग फ्री में। कुछ लोगों ने बोला कि आपने न्यूमरोलॉजी के चार्जेस रख दिए, वो चार्जेस 1100 रुपीज सिर्फ इसलिए है जो हमारी कोस्टिंग है। तो पूरे पैकेज में जब आप एक चीज को करते हो तब आपको अच्छे से रिजल्ट्स मिलते हैं, वो कहीं छूट जाता है तो कमियां रह जाती हैं। कैन यू स्पीक सम इन इंग्लिश पंकज जी? आई ट्राई माई बेस्ट एज आई एम वेरी मच टाइट इन इंग्लिश, सो आई ट्राई डेफिनेटली माई बेस्ट टू स्पीक इन इंग्लिश। ब्यूटिफुली एक्सप्लेन टिल नाउ, थैंक यू वेरी मच। ओवरवेल्ड अगर मैंने सही बोला मालती जी, तो ध्यान रखिएगा, नहीं तो इंग्लिश सुधारने के लिए चैट बॉक्स में लिख के दे दीजिएगा कि आपको ऐसी बात करनी है। हाउ टू ग्रिड एनी सिटी मैप व्हेन इट्स बाउंड्री चेंज डे बाय डे, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। जो इसके नोट्स बना रहे हैं हमारे सहयोगी, आप इसका नोट्स बनाएंगे, अगले आने वाले टाइम में हम किसी सिटी को मैप करके दिखाएंगे और बाउंड्री चेंज जब होती है तब उसके कैसे इफेक्ट होते हैं। राम सेतु का एग्जाम्पल मैंने अपने फेसबुक पेज पर शेयर किया था कि जब वहां पर एक द्वार बना तो इंडिया को कैसे इफेक्ट हुआ और श्रीलंका को कैसे इफेक्ट हुआ। इस तरीके से बहुत सारी केस स्टडीज मेरे पास और भी हैं, हम उसको शेयर करेंगे। इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए प्लीज। इज फ्रॉम कंट्रीज पर्सपेक्टिव नॉट इंडिविजुअल? यस, इट इज फ्रॉम countries or a city's perspective, it is not an individual perspective at all. Please sir recording dijiyega, abhi kuch confirm nahi hai. Jin logon ne pure courses mein enroll karwaya hai, matlab full packages liye hain, un logon ke liye recordings available hain, kyunki site pe abhi itna traffic allowed nahi hai ki hum 700 800 ya 1000 logon ko ek bar mein दिखा पाए, तो इसलिए छोटी सी रिस्ट्रिक्शन है, मैं कोशिश करूंगा इसको दूर करने की। हाउ टू ग्रिड अ फ्लोर प्लान लाइक मैप ऑफ इंडिया, ग्रिडिंग के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये कोर्सेज 8 सेशन का है, आई होप कि आप सभी लोगों को ये बात पता होगी। 8 सेशंस, आज 4 और 5 तारीख को एक सेशन होगा, 4 को 1, 5 को 1, 10 और 11 को एक एक सेशन, सैटरडे संडे को नेक्स्ट, उसके बाद में 18, 19, 20, 21 ये लगातार 4 सेशन होंगे और 8 सेशन में हम अपनी बिगिनर वास्तु कोर्स की जर्नी को कंप्लीट करेंगे, फिर न्यूमरोलॉजी, फिर एस्ट्रोलॉजी, फिर देवता, फिर इंट्यूशंस एंड फिर एडवांस और कुछ सरप्राइजेस। वास्तु सलाहकार के रूप में स्थापित होना है और 10 करोड़ की अचल प्रॉपर्टी, ताकि अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो सकूं और मैं निस्वार्थ रूप से आसपास के लोगों को सच्ची सेवा दे सकूं। गौरव त्रिपाठी जी का नाम नोट कर लीजिए, मैं इनसे पर्सनली बात करूंगा और फिर हम इस पे आगे चर्चा करेंगे कि इस तरीके से स्थापित होना है। पूरी कोशिश चल रही है कि हम सब लोग मिलकर एक साम्राज्य क्रिएट करें और उसके अंदर हम लोगों की सेवा करें। जब हम सिर्फ सेवा का भाव रखेंगे, लोगों को जोड़ने का भाव रखेंगे, तो पैसा अपने आप आता है। Done. I think सर अंबानी lives in Mumbai, so we should see वास्तु of गुजरात और मुंबई, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। Can we also do a case study of Bangla Sahib with bags of wealth and abundance? हमने शायद डाला नहीं है, कल के सेशन में मैं कोशिश करता हूं किसी गुरुद्वारे का, आई थिंक गोल्डन टेम्पल का हमारे पास केस स्टडी है, अगर होगा तो मैं उसको जरूर शेयर करूंगा। सही होगी, इसको लिख लेंगे। सर अंबानी लिव्स इन मुंबई, सो वी शुड सी वास्तु फॉर गुजरात और मुंबई। अंबानी मुंबई में जरूर रहते हैं और मैंने शायद उनके घर की स्टडी को भी फेसबुक पर डाला है, उनका घर भी वास्तु ऑस्पिशियस है। E3 की एंट्रेंस उनकी बनती है जो कनेक्शन देती है, नेटवर्किंग देती है। तो जो लोग बहुत सारे लोगों से नेटवर्क करते हैं, सोशल एसोसिएशंस में होते हैं, उनके लिए वो
एंट्री काम करती है, मुंबई का क्यों नहीं देखेंगे कि बेसिक बीज कहाँ का है उस इंसान में, वो कहाँ से उत्पन्न हुआ, कहाँ पर पैदा हुआ, कहाँ पर उसके पूर्वज थे, वहां से उसके सिम्टम्स को मैच किया जाता है। आगे आप इन सभी चीजों को पढ़ेंगे। माई हाउस साउथ इज डीप डाउन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। कोशिश कीजिए कि इस कोर्स को सिर्फ पढ़ने की और नॉलेज ग्रैब करने की कोशिश कीजिए। कोई भी अपने घर को डाउट्स यहां पर ना पूछिए, लोग बहुत हैं, डाउट्स में ही सेशंस चले जाएंगे। आप लोग सीखिए, मैं चाहता हूं कि जैसा मैं वास्तु करता हूं आप सभी लोग कर पाएं, इसीलिए फ्री में इस कोर्स को रखा गया है। आप लोगों को जरूरत ही नहीं पड़ेगी अगले 8 सेशंस के बाद किसी से भी हेल्प मांगने की, तो तब आप खुद वास्तु कीजिएगा और सॉल्यूशन देखिएगा। कुछ लोगों के डाउट्स बड़े ही नॉर्मल सेशंस वाले हैं, जैसे जब मैंने एक फ्री के सेशंस रखे थे वैसे हैं। वो डाउट्स अच्छे नहीं हैं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मेरे घर में ये हमें डिग्री लेना कैसे सिखाओगे, कब सिखाओगे। सेशन है 16 घंटे से 20 घंटे का, ये सेशन है 8 सेशंस में कंप्लीट होंगे हमारे आवर्स, उसमें आपको सब आ जाएगा। जो लोग गलती से अभी भी ऐड ऐसे हो गए हैं, जिन लोगों को अपने घर की सिर्फ प्रॉब्लम्स पूछनी है और चले जाना है, उनको फिल्टर आज कर देंगे, अगले टाइम से वो सेशन में नहीं आ पाएंगे। दूसरी बात, जिन लोगों ने सेशंस में एनरोल किया, जिनको सीट्स मिली और फिर भी उसके बाद में वो लोग नहीं आए, उन लोगों को अगले 2 से 3 कोर्सेज में अलाउड सिर्फ तभी करा जाएगा जब वो फीस देंगे, और 3 सेशन के बाद में दोबारा से फ्री हो जाएगा। लगभग 1 साल के बाद फिर दोबारा से वो सेशन को फ्री अटेंड कर पाएंगे, तब तक के लिए नहीं कर पाएंगे या फिर पेड हो जाएगा, क्योंकि उन लोगों ने, कुछ पोटेंशियल लोगों की सीट्स को रोक लिया। आगे बढ़ते हैं। एट्रीब्यूट ऑफ 16 directions in Vastu. आप सभी के लिए एक छोटा सा instruction. सभी लोग अपने पास एक notebook और pen रखेंगे. जो मैं बोल रहा हूं उसको as it is उसमें लिख लेना है. कल के session में, ये बहुत छोटा सा आगे session होने वाला है, इसको याद रखेंगे. रट के आना है, जैसी कोई north बोले तो आपको सब समझ में आ जाए कि उसकी इस दिशा का attribute क्या है, प्रभाव क्या है। सिर्फ एक बार के लिए ये भूल जाएं कि उसको देखते कैसे हैं, मेरे घर का नॉर्थ क्या है, कैसे मैप करते हैं, बस सिम्टम्स जानिए कि नॉर्थ होता क्या है। एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, ये जल तत्व की दिशा है। तत्व के बारे में हम आगे पढ़ेंगे, बट देखने के लिए, ताकि आपको समझ में आए, एक नोट्स बना लीजिए, उसमें लिखिए NNW, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, उत्तर उत्तर पश्चिम। ये तीनों चीजें लिख लीजिए जो हिंदी में कंफर्टेबल है, वो लोग उत्तर उत्तर पश्चिम लिखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट। जो लोग इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं, वो लोग लिखेंगे NNW, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट। वॉटर एलिमेंट उसके आगे लिखते हैं। उसके एट्रीब्यूट्स क्या हैं? अट्रैक्शन, बेड प्लेजर्स, चार्म, सेक्स, पैशन, इंटिमेसी, स्पिरिचुअलिटी एंड काम ऊर्जा। ये सभी इसके एट्रीब्यूट्स हैं। आप सभी लोगों को जब भी इन सभी चीजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, तब आप सभी लोग नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट दिशा को देखेंगे कि उसमें क्या है, और ये क्या है
अगले किसी सेशंस में आपको पता लगेगा। अभी के लिए इनमें से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम आपको आती है तो आप नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट उत्तर उत्तर पश्चिम दिशा को देखेंगे। आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉर्थ, ये जो डायरेक्शन है ये डायरेक्शन भी जल तत्व की है, वॉटर एलिमेंट की है। इस डायरेक्शन के एट्रीब्यूट क्या है? मनी, ग्रोथ, प्रमोशंस, न्यू अपॉर्चुनिटीज, फ्रेंचाइजीज, कुबेर एंड सेल्स। जब भी किसी को पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है, मनी का मतलब हार्ड कैश फ्लो नहीं होता, एसेट्स, पैसे से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नॉर्थ देखेंगे। जब भी किसी को ग्रोथ से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नॉर्थ देखेंगे। जब भी किसी को प्रमोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो नॉर्थ देखेंगे। जब भी किसी को नए अवसर नहीं मिल रहे, नई अपॉर्चुनिटियां नहीं आ रही, तब भी नॉर्थ देखेंगे। फ्रेंचाइजी का काम है किसी का, बहुत सारे लोगों ने बोला कि बिजनेस के ऊपर कोई बात नहीं करता, किसी का फ्रेंचाइजी मॉड्यूल बिजनेस है और फ्रेंचाइजी बंटने में दिक्कत आ रही है, फ्रेंचाइजी लेने वाले लोग नहीं आ रहे, तब आप नॉर्थ डायरेक्शन को देखेंगे। और कुबेर, कुबेर की दिशा भी उत्तर है। कुबेर का मतलब यहां पर क्या है? धन दौलत साम्राज्य के गार्ड। कई लोगों ने बोला कि पैसा खूब कमाते हैं, अपॉर्चुनिटीज आती बहुत है पर संभलती नहीं है, क्योंकि कुबेर की दिशा उत्तर में दिक्कत है। ये लिख लीजिए एज इट इज। जो लोगों की उत्तर बैलेंस होती है वो लोग, क्योंकि घर में कुबेर सही होते हैं, सही से स्थापित होते हैं और उनके अवसर नहीं मिलते रहते हैं और वेल्थ जनरेशन होती है। एक और बात मैं यहां पर बताना चाहूंगा, कुबेर की दिशा होने का मतलब ये नहीं है कि यहां पर पूजा घर मंदिर रखा जाए। बहुत सारे लोगों ने कुबेर की दिशा होने के कारण यहां पर पूजा घर बना लिए या कुबेर का आइडियल टांग दिया या कुबेर का यंत्र टांग दिया, ऐसा नहीं करना है। आइडियल लग सकता है सिर्फ बैलेंसिंग के बाद, ये आप आगे वाली स्टेज में सीखेंगे। और कुबेर जी को कोई भी धूप बत्ती अगरबत्ती नहीं करी जाती। और सेल्स, जब भी हम सेल्स की बात करते हैं तब भी हम उत्तर दिशा को ही देखते हैं जब सेल नहीं है। आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट, उत्तर उत्तर पूर्व, इस दिशा का नाम है। जो लोग हिंदी में लिखेंगे उत्तर उत्तर पूर्व लिखेंगे, जो लोग इंग्लिश में लिखेंगे वो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट लिखेंगे। जल दिशा की ही दिशा है, जल तत्व की ही दिशा है। किस किस चीजों को गवर्न करती है आपके घर में? हेल्थ, इम्यूनिटी, रिकवरी, एंथुजियाज्म, डॉक्टर एंड हीलिंग। क्या मतलब है इन बातों का? जब भी आपकी जिंदगी में हेल्थ एंड इम्यूनिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम है तब सिर्फ नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट दिशा को ही सबसे पहले देखा जाएगा। रिकवरी, डॉक्टर नहीं अच्छा मिलता, रिकवरी नहीं हो रही, डॉक्टर अच्छा नहीं मिलता, रिकवरी नहीं हो रही हेल्थ की, तब भी आप नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की दिशा को ही देखेंगे। एंथुजियाज्म, एंथुजियाज्म नहीं है काम करने का, एंथुजियाज्म नहीं है, शरीर क्षमता नहीं रखता, तब नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देखेंगे। आपका डॉक्टर आपको समय पर टाइम नहीं देता, अच्छा डॉक्टर नहीं मिला, अच्छे डॉक्टर के कारण मेरे को प्रॉब्लम आ रही है, तो नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट देखेंगे। और हीलिंग, जितने भी लोग हीलिंग के प्रोफेशन में है या हीलर है या जिनकी हीलिंग में प्रॉब्लम आ रही है, वो सभी लोग NNW ही देखेंगे, NN ईस्ट ही देखेंगे, नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट ही देखेंगे। एट्रीब्यूट्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट, उम्मीद है आप सभी लोग
पीछे वाले कलर्स पर भी ध्यान दे रहे होंगे। ये नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है, यहां पर जल वायु में कन्वर्ट हो रहा है। अभी इसमें जल ही है पर वायु में ट्रांजिट हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए ये सुखद एहसास है। जैसे एक पौधे को पानी मिलना, जब एक पौधे को पानी मिलता है वो पीस सुबह पत्तियों पर, घास पर लगने वाली चंद बूंदे, वो पीस, वो सटलनेस नॉर्थ ईस्ट दिशा गवर्न करती है। नॉर्थ ईस्ट दिशा में उसको हम माइंड की दिशा बोलते हैं, दिमाग की, मस्तिष्क की। ये दिशा आपको विजन देती है, लाइफ में आगे बढ़ने की सोच देती है, क्या करें क्या ना करें की दुविधा से दूर करती है। और प्रॉब्लम अगर इस दिशा में हो तो आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, आप दूरंदेशी नहीं रख पाते। क्लैरिटी देती है क्या करना है, इस बात की स्पष्टता, बात की स्पष्टता, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, ये नॉर्थ ईस्ट दिशा गवर्न करती है। और जब मैं वो कोर्स कराऊंगा, डीकोड बॉडी लैंग्वेज, डीकोड वास्तु बाय बॉडी लैंग्वेज एंड स्पीच, उस समय सबसे ज्यादा लोग इस कोर्स को अच्छा अंडरस्टैंड कर पाएंगे जिन लोगों का नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल क्लियर होगा। इसीलिए मैंने इस कोर्स के कई तलों के बाद उस कोर्स को रखा है, वो भी फ्री में। पीस, ये दिशा पीस देती है, सटलनेस देती है। ट्रे ऑफ होप, एक किरण, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, एक पौधे के लिए नया जीवन, आप जब सुबह सुबह उठते हो वो रे ऑफ होप आपकी लाइफ में है या नहीं, ये नॉर्थ ईस्ट दिशा गवर्न करती है। मेंटल स्टेबिलिटी देती है और इलनेस भी दे सकती है। इलनेस क्यों लिखा, हेल्थ एंड इम्यूनिटी से अलग, क्योंकि अगर वायु और जल दोनों खराब हो गए तो बीमारियां बड़ी होंगी, और जब बीमारियां बड़ी होंगी तब उसका इलाज नहीं हो पाता। इसीलिए कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर वास्तु दोष है तो उसका कोई भी इलाज नहीं है। आगे बढ़ेंगे। अभी तक किसी के कोई कमेंट, कोई डाउट्स? अनीशा जी का एक मैसेज आया है, आई मैसेज्ड वन मेंबर फ्रॉम योर टीम फॉर सम पर्सनल हेल्प, शी सेड दैट शी विल गेट बैक टू मी, इट्स बीन डेज आई डिड नॉट रिसीव्ड कॉल और रिवर्ट ऑफ मैसेज एंड आई वाज रियली काउंटिंग ऑन दैट। अनीशा जी, जिनसे भी आपने बात करी उनकी तरफ से मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूं, माफी मांगता हूं। पर ऐसा होता क्यों है, क्योंकि हम लोग पिछले कुछ दिनों से कोर्सेज के चक्कर में बहुत बिजी चल रहे हैं। मैंने वादा किया था कि संडे को और वेडनेसडे को हम लोग योगदान दिया करेंगे, बट पॉसिबल नहीं हो पा रहा, सच्ची बता रहा हूं, क्योंकि सारी टीम बहुत व्यस्त है अभी इस कोर्सेज की डिलीवरी में। योगदान के डेज चेंज कर दिए जाएंगे क्योंकि सैटरडे संडे को हमारे कोर्सेज हुआ करेंगे। और अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिकल नहीं होगा या जवाब, मैं बोल नहीं रहा हूं कि ऐसा है, अगर ऐसा होगा तो आप समझ लीजिएगा कि शायद इसीलिए पढ़ने के बाद उत्तर नहीं आया या आंसर नहीं मिला। अगर ऐसा होता है तो मैं दोबारा से चेक करता हूं कि ऐसा क्यों हुआ, बट आप ध्यान दीजिएगा कि वो क्वेश्चन प्रैक्टिकल हो। जैसे बहुत सारे लोग, सर मैं नया घर बना रहा हूं, आपने योगदान बोला है, फटाफट से एक काम कीजिए, आप हमारे घर का नक्शा बना के भेज दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस को जवाब भी नहीं दिया जाएगा क्योंकि ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये ऑथेंटिक बात नहीं। पेरेंटल हाउस इफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को लिख लीजिए
टीम में सहयोगी जो लिख रहे हैं इस बात को लिख लीजिए, अगले कुछ सेशंस में मैं इसके ऊपर स्पेशल एक टॉपिक दूंगा. देयर इज अ बिलीव दैट स्क्वायर प्लॉट एंड होम आर एडवाइजेबल फॉर प्रॉपर वास्तु, डू यू गाइड अस ऑन दिस एल शेप एंड कट शेप होम. जी मैं इसमें गाइड नहीं करूंगा. विश्वकर्मा प्रकाश में शेप्स के ऊपर दी हुई बात, दिया हुआ टॉपिक मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा. मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस है या मैंने कहीं से पढ़ा. मैं विश्वकर्मा प्रकाश में दिए गए अक्षरक्ष बात को एक्सप्लेन करूंगा और बताऊंगा कि उसमें क्या लिखा है अलग अलग शेप्स के लिए और फिर उसके लिए इलाज क्या है. पर अभी आगे आने वाले कुछ सेशंस में दिल से इच्छा है कोर्स सीखूं और जिनको जरूरत है उनको, उनके लिए काम कर सकूं. थैंक यू. वॉइस इज ब्रेकिंग, आप लोग चेक कीजिए. What is the last one in English? मैं आपके क्वेश्चन को नहीं समझ पाया. Can you repeat again, please? क्या रिपीट करना है, मैं ये नहीं समझ पाया. What is काम ऊर्जा? काम ऊर्जा is power to manifest. काम ऊर्जा जो reproduction की power आपके अंदर देती है, reproduce करने की power देती है, manifest करने की power देती है, उसे काम ऊर्जा बोला जाता है. In English, you can say it is kind of sexual energies, kind of. Isn't it spirituality and sex pleasures are two different or opposite attributes? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. बात यह है कि आप अपनी energies को flow कहां पर कराते हो. Pleasures जो हमारे हैं उनको भगवान ने एक नया जीव, एक संचार बनाने के लिए सबसे पहली पावर एक ह्यूमन बीइंग, एक पौधा, एक फल, एक एक जीव में, किसी में भी दी. तो वो भगवान से या स्पिरिचुअलिटी से अलग कैसे, सोचने की बात है. लोग इसको गलत समझते होंगे क्योंकि लोगों ने उसको चैनलाइज गलत किया है. कहते हैं ना कि हर बात का फायदा भी बहुत होता है और नुकसान भी. अगर किसी बात की अति हो जाए तो नुकसान भी बहुत हो सकता है और फायदा भी. बस बात है उस अति को दूर करने की. अगर ऐसा होता, अध्यात्म और प्लेजर्स अगर अलग होते तो भगवान उसमें रिप्रोडक्शन की, किसी जीव को पैदा करने की ताकत नहीं देते. सोचने का विषय है, इसीलिए मैंने लिखा. हाउ टू बैलेंस नॉर्थ जोन आगे पढ़ेंगे आप लोग आने वाले सेशन में. काइंडली एडवाइस ऑन पॉसिबल रीजन ऑफ बोन कैंसर व्हेन पॉसिबल थिंग्स. डेफिनेटली मैं आपके क्वेश्चन को लिख लेता हूं. आपका क्वेश्चन ग्रुप में भी आया था आई थिंक, मैंने रिप्लाई नहीं किया. इंटेंशंस हैं उसके पीछे, इग्नोरेंस नहीं है, क्योंकि उस ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने रिप्लाई ऑलरेडी आपको कर दिया. और मेरा मानना यह है कि जहां पर मैं सीखने जाता हूं वहां पर मैं सिखाऊं ना, और जहां पर मैं सिखा रहा हूं वहां पर कोई और ना सिखाए. तो अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर कोई जो अपने आप को फन्नेखा समझते हैं, जिनको बहुत सारी नॉलेज ऑलरेडी है, जो लोग ऑलरेडी समझते हैं कि हमें सब कुछ पता है और हमें ग्रुप्स में इसलिए ऐड किया जाए कि हम भी आंसर करके अपने बड़प्पन दिखा दें, ऐसे बहुत सारे लोगों ने आपके क्वेश्चंस का आंसर किया. और फिर मुझे लगा कि अब मुझे इस कन्वर्सेशन में पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैंने नहीं किया. पर क्योंकि आपने दोबारा पूछा है तेजल जी, मैं पक्का इस क्वेश्चन का आंसर करूंगा. 23169 इस बात का क्या मतलब है नहीं पता. सर ने क्या एलिमेंट बताए प्लीज, नहीं बताए, पता नहीं क्या क्वेश्चन है. ओके एक्सीलेंट, नॉर्थ ईस्ट इज गुड जॉब, टीचिंग वेरी वेल, थैंक यू वेरी मच. इज नॉट इन वेयर इन, लेट्स गो अवे फ्रॉम द हाउस, नॉर्थ ईस्ट नॉट वेयर इन. नो, गुनीशा जी ने पूछा है इज नॉर्थ ईस्ट, इफ नॉर्थ ईस्ट इज नॉट बैलेंस्ड देन इनलेस विल नेवर गो अवे फ्रॉम द हाउस. एग्जैक्टली, in some of the videos I have seen that green marble and the northeast cooking stove is suggested, so does it balance the effect of northeast cooking? Murkhta hai. Northeast ki kitchen ko balance karana murkhta se upar kuch bhi nahi. Chahe yellow patthar rakhwa rahe hain log, pata nahi kyon, aur kuch log brass ka pura ek metal bichha dete hain, pata nahi kyon, kuch log hara patthar laga dete hain, pata nahi kyon, results nahi aate aur problem hoti hai.
डन। आगे बढ़ते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? फन, हैप्पीनेस, रिक्रिएशन, ह्यूमर, ह्यूमर की ताकत देता है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। फन, हैप्पीनेस, रिक्रिएशन और ह्यूमर, इनमें से रिलेटेड कुछ भी प्रॉब्लम अगर आपकी लाइफ में आती है, फन नहीं है लाइफ में, रिक्रिएशन नहीं है, रिक्रिएशन मतलब रिजुविनेशन, अपने आप को रीस्टैब्लिश करने की ताकत, हैप्पीनेस नहीं है, अबंडेंस नहीं है, खुशी नहीं है जीवन में, पैसा बहुत होगा, हेल्थ अच्छी होगी पर खुशी नहीं है, ह्यूमर, जो लोग इस फील्ड में हैं, जिन लोगों की लाइफ में ह्यूमर नहीं है, फन नहीं है, वो भी इस बात को ईएमई से देख सकते हैं। इस बात से मुझे एक बात याद आ गई, एक बार मेरे एक रिश्तेदार जो कि बहुत कंजूस है, भगवान ना करे वो इस वक्त इस सेशन को देख रहे हो, अगर उनको अलाउड किया गया हो तो आई एम सॉरी, बहुत कंजूस हैं, तो एक बार मैंने उनके घर का ईस्ट नॉर्थ ईस्ट बैलेंस करवा दिया। जब मैंने बैलेंस करवाया तो उनकी जिंदगी से फन चला गया। फन क्यों चला गया? क्योंकि उनके घर में जो बच्चे थे वो पिज्जा खाने लग गए, वो अपने बचपन में घुल मिल गए, उनकी साइकिल्स आ गई, वो ऐशो आराम करने लग गए, वो मस्ती करने लग गए, एक 5 साल का बच्चा जैसे मस्ती करता है वो वैसे मस्ती करने लग गए, और इनकी जिंदगी में उदासी छा गई। जब मैं जाके पूछा कि अंकल अब खुश हो, कहते बेटा बस तेरा ही इंतजार कर रहा था, मन कर रहा है पट्टियां उखाड़ के तेरे मुंह पे मार दूं। अरे मेरे को खुश तो पैसा करता है, ये फन, रिक्रिएशन, सिनेमा जाना, पिज्जा खाना कब से फायदा देने लग गया, 2 रोटी ही बहुत है भाई, इसको हटा। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सामने वाले को खुशी मिलती किस में है। हम लोग यूं ही, सब लोग सिनेमा जाके खुश नहीं है, कुछ लोग 100 रुपए बचा कर अपनी चैन की नींद लेने में भी खुश हैं, तो उस खुशी के लिए वो एट्रीब्यूट कोई दूसरी दिशा का है। अपनी पेटी को खुला रखिए। इस पेटी को खुला रखने वाली बात से मैं आगे एक स्टोरी भी बताऊंगा, जिन लोगों की पेटियां नहीं खुल रही हम उनकी पेटियां भी खोलेंगे। आगे बढ़ते हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ ईस्ट, सोशल, पब्लिक, गैदरिंग्स, नेटवर्किंग, कनेक्शन, गवर्नमेंट एंड मार्केटिंग। आई होप कि आप सभी लोग इसको लिख रहे होंगे, क्योंकि ऐसा कोई स्टडी मटेरियल मैं आप सभी लोगों को नहीं देने वाला, क्योंकि जो लोग मेहनत ही नहीं करते वो लोग क्या वास्तु करेंगे। आप लोग लिखिए, टाइम लीजिए पर लिखिए। एट्रीब्यूट्स ऑफ ईस्ट, सोशल मतलब जो इंसान बहुत सोशल होना चाहते हैं या सोशल फील्ड्स में है, पब्लिक जहां पर बहुत सारी पब्लिक है ऐसी फील्ड में है, गैदरिंग्स जहां पर बहुत गैदरिंग्स होती हैं, नेटवर्किंग जो लोग नेटवर्किंग करते हैं, नेटवर्किंग के धंधे में है, कनेक्शंस जिन लोगों को कनेक्शन बिल्ड अप करने हैं, गवर्नमेंट कनेक्शंस बनाने के लिए गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करता है ईस्ट, और मार्केटिंग, इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको ईस्ट देखना होगा। इन 5ों में से कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आपको ईस्ट डायरेक्शन देखनी होगी। ईस्ट के बाद आएगा ईस्ट साउथ ईस्ट। ईस्ट साउथ ईस्ट ये जितने भी हरे कलर वाली स्लाइड्स आई थी, जैसे ईएनई, ईस्ट और ईस्ट साउथ ईस्ट, ये सभी एयर एलिमेंट की या वायु तत्व की, ये क्या देती है ईस्ट साउथ ईस्ट? एनालिसिस देती है। एनालिसिस जितने भी लोग डीप एनालिसिस का काम करते हैं, जैसे साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, सीएस हैं, ये सभी लोग, या कोई और ऐसा प्रोफेशन जो मैं भूल रहा हूं, जिनको
एनालिसिस की रिक्वायरमेंट है, बार बार चेक करते रहने की रिक्वायरमेंट है, वो सभी लोग ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन को देखेंगे कि यहां पर क्या प्रॉब्लम है। ये डायरेक्शन चर्निंग देती है, एंजाइटी देती है, इन लॉज को गवर्न करती है। अब ये क्वेश्चन मत लिखिएगा कि आपने मेरे दुख तिरख पर हाथ रख दिया, ऐसा होता है, पर ये डायरेक्शन ही उस बात की प्रॉब्लम गवर्न करती है। जाके चेक कीजिए कि आपके ईस्ट साउथ ईस्ट में क्या है। पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन, इच्छाओं को प्राप्त करने की भी ताकत देती है, क्योंकि समुद्र मंथन में से निकली हुई कामधेनु गायें भी एक ब्यूटीफुल चर्निंग का एक बहुत अच्छा प्रतीक है। इसीलिए अगर आपकी चर्निंग पॉजिटिव होती है, अच्छी होती है, डीप एनालिसिस होते हैं, तो आप सभी लोगों को अच्छी प्राप्तियां होती हैं, पावर देती है मैनिफेस्टेशन की। आगे बढ़ेंगे, एट्रीब्यूट्स ऑफ साउथ ईस्ट में कैश। अब यहां पर ये जो कलर है ये फायर का है, रेड कलर। साउथ ईस्ट डायरेक्शन से फायर स्टार्ट होती है। कैश रिप्रेजेंट करती है क्योंकि कैश फ्लो फायर का प्रतीक है, लिक्विडिटी। कुछ लोग बोलते हैं पैसा बहुत है, लिक्विडिटी नहीं रहती, हाथ में फ्लो नहीं रहता। लिखाने को तो 100 करोड़ है, हाथ में खर्चा करने को पैसा नहीं रहता। ये साउथ ईस्ट डायरेक्शन देती है, फायर की डायरेक्शन है मेन। इनिशिएशन, किसी भी बात को पुश देती है, स्टार्ट करती है साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये सभी पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जब भी कोई बोले कि मेरा काम स्टार्ट नहीं होता, ये बात बिगड़ जाती है, इनिशिएशन नहीं हो पाती, तब ध्यान देने की जरूरत है कि साउथ ईस्ट में गड़बड़ है। स्पार्क ऑफ लाइफ, जीवन की बेहतरीन ऊर्जा, आगे बढ़ने की शक्ति, काम करने का मन, सुबह उठ के भागने का मन, मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे पैसा कमाना है, मुझे घर चलाना है, एक लेडी के लिए सुबह बच्चों को तैयार करना है, उसी एंथुजियाज्म से वो स्पार्क लाइफ की, वो प्यार लाइफ का साउथ ईस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है। स्पीड, स्पीड की रिप्रेजेंटेटिव है, फुल फास्ट है यहां की फायर। इसको आप इस तरीके से देखिए, जब एक दिया या एक मोमबत्ती में एक लौ बनती है इस तरीके से, ये जो लौ बनती है इसका ये स्टार्टिंग वाला जो पार्ट है ये होता है साउथ ईस्ट। ये बिल्कुल इनिशिएशन वाला पार्ट साउथ ईस्ट होता है। एक लॉ में यहां ये स्टार्टिंग वाला पार्ट ये साउथ ईस्ट दिशा को, फायर को रिप्रेजेंट करता है साउथ ईस्ट की, जहां से उत्पत्ति हुई, स्पार्क हुआ। आगे एट्रीब्यूट्स ऑफ साउथ साउथ ईस्ट, पावर, स्टेबिलिटी। किस चीज की स्टेबिलिटी? भागते रहने का। साउथ ईस्ट वाली पावर ने, फायर ने आपको इनिशिएशन तो दे दिया, रोकने की पावर, उसको करते रहने की पावर, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक काम करते रहने की पावर, ये साउथ साउथ ईस्ट देती है। फाइटिंग की पावर देती है, करेज देती है कि मुझे लड़ना है, मुझे अपने हालातों से झिझोड़ना है, मुझे भागना है, मुझे मेहनत करनी है, ये पावर साउथ साउथ ईस्ट देती है। कॉन्फिडेंस, किसी के सामने बैठना, बात करना, अपने आप को प्रेजेंट करना, ये कॉन्फिडेंस साउथ साउथ ईस्ट देती है। करेज, हिम्मत, बल साउथ साउथ ईस्ट देती है। और अथॉरिटीज, जिन लोगों ने संभाल रखा है विश्व, वो अथॉरिटीज, मिडल तबके की अथॉरिटीज साउथ साउथ ईस्ट से गवर्न होती है। ये कौन सी पावर है, ये कौन सी फायर है? अगर मैं फिर से एक सैंपल बनाऊं तो ये जो मीडियम है जो इसको कंटिन्यू रखती है, ये वाली फायर। यहां से स्टार्ट हुई साउथ ईस्ट, यहां पर साउथ साउथ ईस्ट।
ये जो मीडियम फायर है जो कनेक्ट करती है, वो वाली अथॉरिटीज जो आपको टॉप के लेवल से कनेक्ट करती है, और आप खुद जो इनिशिएशन हो वो वाली फायर है साउथ साउथ ईस्ट। आगे बात करेंगे हम साउथ की फेम, पॉलिटिशियन, पीपल ऑन टॉप, गवर्नमेंट हाई अथॉरिटीज एंड राइजिंग। मोदी जी की फोटो लगाई है, जो लोग इन पे विश्वास नहीं रखते उन सभी लोगों से हाथ जोड़ के धन्यवाद और सॉरी एक साथ, और जो लोग इनके भक्त हैं बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आप लोग कर सकते हैं। एट्रीब्यूट्स ऑफ साउथ का मेन एट्रीब्यूट है फेम। इस फ्लेम की वो ताकत जो आपको दिखती है, जो उभर कर आती है, जिसमें तलवार सी नोक है, जो अलग चमकती है, जो सबसे ऊपर है, ये वो फायर है जिस फायर के लिए आप इनिशिएशन लेते हो साउथ ईस्ट से, जिस फायर के लिए 24 घंटे भागते हो। उस फेम की बात अगर करेंगे तो साउथ दिशा को देखना है। बहुत सारे लोग, मैं भागता हूं, मैं इनिशिएशन लेता हूं, मैं साउथ साउथ ईस्ट में 24 घंटे काम करता रहता हूं, पर फेम नहीं है, मुझे कोई रिकग्नाइज नहीं करता, साउथ दिशा को देखना होगा। पॉलिटिशियंस, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जैसे मैंने आपको बताया, इनिशिएटर जनता, साउथ ईस्ट की फायर जो आग लगाती है, जो टैक्स भरती है, साउथ साउथ ईस्ट की फायर अथॉरिटीज जो आप सभी लोगों के हेल्प करते हैं, पॉलिटिशियन से जोड़ते हैं, और पॉलिटिशियंस वो जो आपके शहर की सबसे ऊपर की अथॉरिटी है, जिनके पास वो ताकत है, वो फेम है, वो सभी लोग साउथ दिशा से गवर्न होते हैं। पीपल ऑन टॉप, गवर्नमेंट हाई अथॉरिटीज, और चढ़ते सूरज को सलाम जैसा नाम साउथ डायरेक्शन देती है, बढ़ते रहने की क्षमता अपना नाम साउथ दिशा देती है। आगे बढ़ेंगे, अब आप देखेंगे कि यहां पर येलो कलर आया, क्योंकि साउथ साउथ वेस्ट जो डायरेक्शन है वो अर्थ, पृथ्वी तत्वों की डायरेक्शन है, अर्थ एलिमेंट की। साउथ साउथ वेस्ट आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करती है, डिस्पोजल को रिप्रेजेंट करती है, वेस्टेज को रिप्रेजेंट करती है, एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करती है, गट को रिप्रेजेंट करती है, कलाकारी को रिप्रेजेंट करती है। क्या मतलब हुआ यहां पर आर्टिस्ट का? वो आर्टिस्ट जो किसी के अंदर से डिस्पोजल की भावना को निकाल दे, जो किसी के अंदर से एक्सपेंडिचर की भावना को, वेस्टेज की भावना को निकाल दे, वो आर्टिस्ट जो आपके गट को, आपकी गट की फीलिंग को स्ट्रॉन्ग कर दे। तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। अगर आपका घर बैलेंस है तो आपको फायदा देगी, आपकी गट फीलिंग स्ट्रॉन्ग करेगी, आपकी पाचन क्रिया को स्ट्रॉन्ग करेगी, आपको कलाकार बना सकती है, आपकी कलाकारी को स्ट्रॉन्ग कर सकती है। आपको एक आर्टिस्ट के घर में जब भी देखना है, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला कि जो आर्टिस्ट आपके सामने आए, उनके घर में कौन सी दिशा सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है साउथ साउथ वेस्ट। गंधर्व की दिशा उसको ऊपर लेके जाती है। बस ये थोड़ा थोड़ा सा फर्क है देखने का, अगर आपको देखना आ जाएगा, ये याद रह जाएगा, तो आप उसकी उसी दिशा में कर्म करोगे। अगली दिशा है साउथ वेस्ट, ये भी अर्थ एलिमेंट है, ये वो अर्थ है जो स्टेबिलिटी देता है, ये वो अर्थ है जो आपकी बॉडी में रहकर आपकी प्राप्तियां करवाता है और आपको ऊपर लेके जाता है, ये वो अर्थ है जो डिस्पोजल होने के बाद में, बचने के बाद आपको ग्रो करवाता है, आपको बड़ा करता है, बॉन्डिंग देता है ये। अगर आपका साउथ वेस्ट स्ट्रॉन्ग होगा, अर्थ स्ट्रॉन्ग होगी, स्टेबिलिटी स्ट्रॉन्ग होगी, आपकी जमीन अच्छी होगी, तो आप बॉन्ड में रहोगे, जुड़े रहोगे। लव रिप्रेजेंट करता है, स्किल्स रिप्रेजेंट करता है, स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, मूवमेंट इन स्टेबिलिटी रिप्रेजेंट करता है, हैवी है,
और पितरों का कारक है। आप सभी लोग नोट करेंगे, पितरों का कारक मतलब जब भी आप लोगों को पितरों से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, पूर्वजों से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, फैमिली डिस्प्यूट्स हो, फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम आए, तब साउथ वेस्ट दिशा को देखा जाता है। हैवी का मतलब क्या है? भारी दिशा है। इसका मतलब ये नहीं कि इसको ऊंचा कर देना है, क्या करना है हम इस पे बात करेंगे, पर ये भारी है क्योंकि पांचों तत्वों में सबसे भारी है पृथ्वी तत्व। अब हम आगे बात करेंगे वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट की। अब आप देखोगे कि इसका कलर है व्हाइट, ये है स्पेस एलिमेंट, आकाश तत्व, ये एजुकेशन देता है। इसको आप पश्चिम दक्षिण पश्चिम भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने बीच में कई जगह पर हिंदी नहीं बोली, तो नॉर्थ को बोलते हैं उत्तर, उत्तर, ईस्ट को बोलते हैं पूर्व या पूर्व, साउथ ईस्ट को बोलते हैं अग्नि, साउथ ईस्ट दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, क्योंकि साउथ को बोला जाता है दक्षिण और वेस्ट को बोला जाता है पश्चिम। तो जहां जहां पर जिस जिस कर्म में हम दिशा को लगा रहे हैं उसी में उसका हिंदी अनुवाद किया जा सकता है। अब हम आगे बढ़ेंगे, एट्रीब्यूट ऑफ वेस्ट साउथ वेस्ट में, ये एजुकेशन का कारक है, ये नॉलेज का कारक है, ये नो हाउ का कारक है, कि आपको पता ही नहीं है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो जानकारी प्राप्त करने का कारक है। प्रोटेक्शन देता है ये, आपको सेव करता है, आपको सेफ गार्ड करता है। कमीशन, जितने भी लोग कमीशन का काम करते हैं उसका कारक है, सरस्वती देवी का कारक है, सरस्वती देवी यहां की लॉर्ड है। तो जब भी आप इनमें से कुछ प्रॉब्लम होगी तो आपको वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट दिशा को देखना होगा। आगे बढ़ेंगे, मेरी फेवरेट दिशा, सभी व्यापारियों की फेवरेट दिशा, हर इंसान की फेवरेट दिशा, जिसको कुछ वास्तुकारों ने गलत भी बताया, पश्चिम दिशा है। ये प्रॉफिटेबिलिटी देती है, हर इंसान अपनी जिंदगी में प्रॉफिटेबिलिटी चाहता है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉफिटेबिलिटी हो, चाहे इकोनॉमिकल प्रॉफिटेबिलिटी हो, चाहे शारीरिक प्रॉफिटेबिलिटी हो, चाहे मेंटल प्रॉफिटेबिलिटी हो, हर इंसान ग्रो करना चाहता है, प्रॉफिट में रहना चाहता है। बहुत सारे लोगों से मिला जो अध्यात्म में, उन सभी लोगों ने, हर किसी की एक इच्छा तो जरूर है, मेरा और अच्छा अध्यात्म हो जाए, मेरा और अच्छा ईश्वरीय प्राप्त हो जाए, मुझे ईश्वर प्राप्त हो जाए, मैं अपने आप से कनेक्ट कर पाऊं। ये सभी प्राप्तियां वेस्ट डायरेक्शन देती है, गेन्स वेस्ट डायरेक्शन देती है, मैनिफेस्टेशन वेस्ट डायरेक्शन देती है। क्या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन मतलब क्या आपके पास शक्ति भी थी मैनिफेस्ट करने की? वो शक्ति ही नहीं है तो ईस्ट साउथ ईस्ट डायरेक्शन देखनी होगी। और अगर मैनिफेस्टेशन हो नहीं रही, कर बहुत रहे हो, तो वेस्ट देखना होगा। अकम्प्लिशमेंट, सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट, मैंने ये किया, ये वेस्ट डायरेक्शन देती है। सेल्फ अवेयरनेस, अपने बारे में जानकारी, मैं क्या हूं, मुझे क्या खाना है, मुझे क्या पीना है, मेरे लिए क्या सही है, मेरे लिए कौन गलत है, ये सही गलत वेस्ट दिशा देती है। एनलाइटनमेंट, एक ज्ञान प्राप्त होना। मैंने कुछ समय पहले एक रेमेडी शेयर करी वेस्ट के लिए, द कार्मिक व्हील। वो कार्मिक व्हील की रेमेडी लगाने के बाद एक सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट हुआ कि मुझे अब ये करना है, मुझे जिस दिशा में मैं भाग रहा था वो गलत थी, अब मैं सही दिशा को चूज करूं, आगे बढ़ूं और लोगों की सेवा में अपना फर्ज निभाऊं या कर्म करूं। तो हमने फ्री के कोर्सेज बहुत सारे लोगों तक पार्क भी किए। सेंस ऑफ एनलाइटनमेंट देती है, इच्छा शक्ति भी देती है। इच्छा शक्ति कैसे, मुझे ये करना है, ये वाली इच्छा शक्ति वेस्ट डायरेक्शन गवर्न करती है। याद रखने की जरूरत है, सिर्फ दिमाग को खुला रखिए, इतने सारे एट्रीब्यूट्स में खोना नहीं है। आज रात को आपके पास पूरा वक्त होगा उसको पढ़ने का, कल हम
और स्पीड में आगे बढ़ेंगे, ओवर स्पीड में भी बढ़ेंगे, कुछ लोगों का एक्सीडेंट भी होगा, पर हम चलते रहेंगे। आगे बात करते हैं एट्रीब्यूट ऑफ वेस्ट के बाद में, एट्रीब्यूट ऑफ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, दिखने में डिप्रेशन, अंधकार, रोना धोना, डिटॉक्सिफिकेशन, डिप्रेशन, ड्राइनेस, सूखापन। मैं एक क्लाइंट के पास गया, बहुत वक्त पहले की बात है, उनकी फैक्ट्री के अंदर जो माल पड़ा था वो वेस्ट ऑफ नॉर्थ वेस्ट में पड़ा था, और वास्तुकार नॉर्थ ईस्ट के मीटर को सही करवाने में लगे हुए थे, मीटर यहां से हटा दो, यहां पर तांबे की पत्ती डाल दो, साउथ वेस्ट हैवी कर दो, साउथ वेस्ट में पानी की टंकी कर दो, नॉर्थ में बोरिंग करवा दो, एक दिशा में तीन कमरे नहीं होने चाहिए वो हटा दो, मिरर को सेट कर दो, अपने गुल्लक में ये रख दो। देखा ही नहीं कि वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में माल पड़ा है, उसकी वजह से माल सूख जा रहा है, क्वालिटी अच्छी नहीं है, सेल डाउन है। मैंने उस माल को शिफ्ट करवाया और कोई वास्तु उपाय नहीं करवाए, और एक महीने के अंदर सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ये वाली केस स्टडी भी मैं कोशिश करूंगा आप सभी लोगों के साथ में शेयर करूं। फैक्ट्री का केस है ये, साथ में या आठवें सेशन में मैं आपसे शेयर करूंगा विद प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन। मैंने यहां से सामान हटाया और यहां किया और कुछ नहीं किया और लाखों रुपए की फीस भी ली। आगे बढ़ेंगे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बाद, नॉर्थ वेस्ट मूड स्विंग्स देता है। कुछ लोगों ने बोला कि नॉर्थ वेस्ट अच्छी डायरेक्शन है, डिप्रेशन में और मूड स्विंग्स में एक फर्क है। आप वहां पर सोते हो, वहां पर आपका रूम होता है, तो आप लोगों के मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, कभी एकदम हैप्पी और कभी एकदम सैड। सपोर्ट, नॉर्थ वेस्ट सपोर्ट सिस्टम क्रिएट करता है, नॉर्थ वेस्ट बैंक को दर्शाता है, नॉर्थ वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन को दिखाता है, नॉर्थ वेस्ट कोर्ट को दिखाता है, नॉर्थ वेस्ट लीगल इश्यूज को दिखाता है, नॉर्थ वेस्ट रुद्र देवता इसके कारक हैं। आई होप आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब हम फिर से 5 मिनट डाउट्स लेंगे, आप सभी लोग इनको लिखिए, तब तक मैं डाउट्स क्लियर करता हूं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। ज्योति जी के यहां पर वॉइस की प्रॉब्लम आ रही है, आई थिंक ये सिर्फ आप ही के यहां पर आ रही है और ऐसे कोई कमेंट नहीं है। ज्योति जी चेक कीजिए कि आपके वहां पर क्या गड़बड़ है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट इन स्टेबिलिटी, प्लीज एक्सप्लेन। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। मूवमेंट इन स्टेबिलिटी का मतलब ये है कि रेगुलर फ्लो स्टेबिलिटी है। मेरा 10 करोड़ का टर्नओवर पिछले 10 साल से है, ये मूवमेंट भी है, ये स्टेबिलिटी भी है। एक पानी के फ्लो को देखिए, जब वो पानी किसी पहाड़ से बरसा, उसके बाद में एक फ्लो में आया, जब वो फ्लो में आया वो मूवमेंट इनस्टेबिलिटी है या स्टेबिलिटी इन मूवमेंट, जैसे भी ले लो। तो जब वो फ्लो में है, रेगुलर मूवमेंट में है पर स्टेबल भी है, इसे कहते हैं मूवमेंट इन स्टेबिलिटी। जब भी आपकी लाइफ में मूवमेंट इनस्टेबिलिटी नहीं होती तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन का अर्थ इम्बेलेंस है। जैसे कोई बोलता है कि कभी टर्नओवर करोड़ का है, कभी 10 का, कभी 50 लाख का, और कई बार घाटे भी लग जाते हैं साल में, ये अप्स एंड डाउन्स बहुत हैं। तो वहां पर हम सभी लोगों को साउथ वेस्ट में ब्लैक कलर या मिरर मिलता है। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मूवमेंट इनस्टेबिलिटी, इफ वेस्ट साउथ वेस्ट मींस, वेस्ट साउथ वेस्ट मींस वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट, इसको मार्क करना हम बाद में सीखेंगे, एक बार इसके एट्रीब्यूट्स को याद कर लीजिए। कोई भी, जैसे सुनीता जी ने लिखा कि कोई भी लोग किसी दूसरे के आंसर को मत एंटरटेन कीजिए, कोई भी ऐसा 2 से 3 बार करता पाया जाएगा तो हमारी टीम उनको रिमूव कर देगी। स्क्रीन पर अच्छे से दिख नहीं रहा, ये प्रॉब्लम अगर सबको आ रही है तो एज इट इज मैसेज लिख के दीजिए कि क्या नहीं दिख रहा, मैं कोशिश करूंगा
बढ़ाने की, क्योंकि मैं खुद भी इसी तरीके से जैसे आप लोगों देख रहे हैं, मैं खुद भी उसी तरीके से इस टैबलेट में देख पा रहा हूँ, तो मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है, बट मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों है. विच इज द डायरेक्शन टू बी AVI ऑडिट, विच डायरेक्शन टू बी अवॉइडेड व्हाइल बाइंग ए हाउस, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे. आप पूरे सेशन से बने रहे, आगे जाके किस हाउस को सेलेक्ट करना है, किसको छोड़ना है, इस पे हम आराम से बात करेंगे. विच डायरेक्शन इज टू बाय अशोक, ये एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करता है कि किस दिशा के मुख की डायरेक्शन आपको फलेगी. ये प्योरली एस्ट्रोलॉजी कल बेस्ड क्वेश्चन है, बाकी इन जनरल अगर किसी की एंट्रेंस अच्छी है तो उसको फलता तो है ही. क्या कोई घर 100% वास्तु परफेक्ट हो सकता है? 100% हो सकता है. नॉर्थ वेस्ट एलिमेंट ऑफ दिस डायरेक्शन प्लीज. नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन का एलिमेंट है स्पेस. कुछ लोगों ने इसको अर्थ बताया, पर लिटरली ये स्पेस ही है. ये स्पेस है. जब ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है आपके घर में, चारों जब नींव कंप्लीट हो जाती है, मैं आप सभी लोगों को इस बात से एक और बात बताऊं जो मैंने सरप्राइजेस बोले हैं, उसमें एक टॉपिक ये भी है कि कौन सी दिशा में नींव रखी जानी चाहिए और किस तरीके से वो नींव बढ़नी चाहिए. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. अगर ये नहीं होता तो इससे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आती हैं. ये हम सातवें आठवें सेशन में इसके बारे में बात करेंगे. नॉर्थ वेस्ट जब ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है घर के सेंटर से, तब वो चारों दिशाओं में, क्योंकि अर्थ नहीं है, भूमि नहीं है, तो स्टेबिलिटी नहीं है, और कोई देवता नहीं है, और कोई भी पंच तत्व नहीं है. धरती बनी इसीलिए बाकी चारों तत्व आए. अर्थ जब बनी तो उसका 50% साउथ वेस्ट में गया, 20-25% साउथ ईस्ट में गया, 20-25% नॉर्थ वेस्ट में गया, और बाकी बचा हुआ नॉर्थ ईस्ट में. इसीलिए नॉर्थ ईस्ट को हल्का बोला जाता है और नॉर्थ वेस्ट को भारी, साउथ वेस्ट को भारी. नॉर्थ वेस्ट में वो ब्रह्म तत्व जाने के लिए या वो अर्थ का एलिमेंट जाने के कारण लोगों ने उसको येलो या अर्थ एलिमेंट बोल दिया, पर लिटरली अगर साइकिल ऑफ क्रिएशन की बात करी जाए तो ये स्पेस है, क्योंकि जब साइकिल ऑफ क्रिएशन के थ्रू आते हैं तो ये स्पेस एलिमेंट है, और इसके जो एट्रीब्यूट्स हैं, इसके जो देवताज हैं, वो भी स्पेस एलिमेंट जैसे लक्षण ही दिखाते हैं. व्हाट इज इच्छा शक्ति? द पावर टू मैनिफेस्ट इज इच्छा शक्ति. यू सेड मैनिफेस्टेशन एलाइनमेंट में. मैं इस क्वेश्चन को समझ नहीं पाया हूं अमनदीप जी. मैं ईव चक लिखाना, आई डिड नॉट गेट यू सर. व्हाट इज रिटन इन हिंदी इन वेस्ट नॉर्थ वेस्ट? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हिंदी में क्या लिखा है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में हिंदी में क्या लिखा है? सोशा लिखा होगा, जहां तक मुझे याद है सोशा लिखा होगा, ड्राइनेस लिखी होगी. एक बार लगा के देखेंगे कि क्या लिखा था हमने. कोप भवन. ओके, सोशा इनके देवता हैं जो ड्राइनेस देते हैं. कोप भवन का मतलब, पुराने जमाने में एक भवन बनाया जाता था, जिन लोगों को डिप्रेशन होता था वो वहां पर अपने आप को डिटॉक्सिफाई करने जाते थे. आगे करेंगे. प्लीज रिपीट द एलिमेंट्स एंड कलर एसोसिएटेड विद 16 डायरेक्शंस. जितनी भी उत्तर की दिशाएं हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ 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 ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट, ये जल तत्व की हैं. हालांकि तत्व अभी हमारा विषय नहीं है, कल या परसों में या अगले सेशन में वो विषय आएगा, आप सभी लोगों को मौका मिलेगा. उसके बाद में ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट साउथ ईस्ट, ये एयर एलिमेंट की है. उसके बाद में साउथ ईस्ट, साउथ साउथ ईस्ट, साउथ ये फायर है. साउथ वेस्ट, साउथ साउथ वेस्ट अर्थ है. वेस्ट नॉर्थ, वेस्ट साउथ वेस्ट, वेस्ट वेस्ट नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट, ये स्पेस है. रुद्रा इज अ देवता, काइंड ऑफ
शिव, इसीलिए शिव जी का जो मंत्र है ओम रुद्राय नमः, उनकी उनको याद करने के लिए बोला जाता है। रुद्रा देवता के लिए रुद्र लिखा, जो सपोर्ट सिस्टम है इस पृथ्वी का। नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट के एलिमेंट, नॉर्थ वेस्ट नॉर्थ नॉर्थ की कोई दिशा नहीं होती, इफ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, व्हाट इज द कनेक्शन अमंग वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, व्हाट इज कनेक्शन इन वास्तु एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी, दैट ऑल द थ्री डायरेक्शंस आर पार्ट ऑफ कॉल्ड साइंसेस। इन सभी साइंसेस का पार्ट है ये सब। जैसे आपने किसी की वास्तु कर दी पर उसकी नेम स्पेलिंग करेक्शन, ईमेल आईडी अच्छी नहीं है, उसके कलर्स उसके हिसाब से सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे बाधा आती है। वैसे ही एस्ट्रोलॉजी में अगर उसकी दशा सही नहीं चल रही या उसकी दशा वाले दिशा में ही दोष को हटा देने से रिजल्ट्स प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा एक कनेक्शन बनता है इन सभी में। अगर किसी का टाइम सही नहीं चल रहा और आप वास्तु के उपाय कर रहे हो तो उपाय तो आएंगे, रिजल्ट तो देंगे ही, पर उतना बल नहीं मिलेगा जितना मिलना था। प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए ओके है, बट जो रिजल्ट आप चाहते हो वो मिलजुल कर आते हैं, इसीलिए इनका आपस में लिंक है और इनको पढ़ना जरूरी है। सर प्लीज एक्सप्लेन ईस्ट अगेन, जिनके कनेक्शन में प्रॉब्लम रही दोबारा पढ़ना मुश्किल है। किसी ने अच्छी बात लिखी है, ऑल्सो आई अंडरस्टैंड दैट विदाउट फॉलोइंग इट विद मोर कोर्सेज दिस फ्री कोर्स विल जस्ट रिमेन इंफॉर्मेशन, टू मेक इट अ नॉलेज एंड यूज टू अ कंसल्टेंट दिस कोर्स इज जस्ट द बिगनिंग। नो, ये बात सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है, और अगर ये सटायर है या कमेंट है तो आपका धन्यवाद, ताकि मैं आपकी बात लोगों तक पहुंचा सकूं। ये बिगिनियर वास्तु कोर्स मैंने पहले ही दिया था कि बिगिनियर वास्तु कोर्स है, बट क्या ये अपने आप में पूर्ण नहीं है? है। बहुत सारे लोग इससे कम कंटेंट वाले कोर्सेज को कर सर्टिफिकेशन लेकर फोटो खिंचवाकर प्रैक्टिस करते हैं और रिजल्ट्स आते हैं, मैं गारंटी देता हूं। जो लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस में जा रहे हैं सिर्फ उनके लिए सभी कोर्सेज जरूरी हैं। जिन लोगों को अपने घर के रिजल्ट चाहिए, अपनी बिजनेस के रिजल्ट चाहिए, अपनी फैक्ट्री के रिजल्ट चाहिए, उनके लिए ये कोर्स मोर देन सफिशिएंट है आपकी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए। सिर्फ जो लोग प्रोफेशनल प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जिन लोगों को बताना है पूर्ण नॉलेज, क्या आप कभी चाहेंगे कि एक MBBS डॉक्टर ही आपका ऑपरेशन कर दे? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि MBBS अपने आप में पूर्ण नहीं है? MBBS डॉक्टर वैलिडिटी रखता है, वैलिडेशन रखता है, पर सर्जन की बराबरी नहीं कर सकता। और क्या सर्जन किसी एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट न्यूरोसर्जन की बराबरी कर सकता है, एक बिल्कुल बेसिक सर्जन? क्या एक सर्जन एनेस्थीसिया लगाने वाले डॉक्टर की बराबरी कर सकता है? तो क्या बाकी सारी बातें सिर्फ एक बिगनिंग है? नहीं। जिन लोगों को खुद की लाइफ में प्रॉब्लम है, जो लोग दूसरों का भला करना चाहते हैं, जो लोग दूसरों तक जुड़ना चाहते हैं निस्वार्थ भाव से, फ्री रखने का मतलब यह है कि आप कम से कम 21 लोगों का अपनी जिंदगी में भला कर सको इस कोर्स के द्वारा, इसलिए इसको फ्री रखा गया है, और कोई मोटिव नहीं है। हाँ, प्रोफेशनल प्रैक्टिस करनी है तो सफर बहुत लंबा है, ये 3 महीने भी शायद बहुत कम है। उसके बाद इंटर्नशिप है, इंटर्नशिप के बाद आपकी खुद की प्रैक्टिस है, आपकी खुद की हिम्मत है, आपका खुद का जज्बा है। ये बंद हो गया, आगे बढ़े। एज ऑफ नाउ डन, एज ऑफ नाउ आगे बढ़ते हैं। आप सभी लोग अपने क्वेश्चंस को लिखते रहेंगे ताकि हम पार्क करें। एट्रीब्यूट ऑफ नॉर्थ वेस्ट पे हमने बात करी, मूड स्विंग्स हैं, सपोर्ट्स है, बैंक है, एडमिनिस्ट्रेशन है, कोर्ट है, लीगल इश्यूज है,
रुद्र है। मैं आगे बात करूंगा। सारे 16 दिशाओं के एट्रीब्यूट्स आप सभी लोगों को समझ आए होंगे, इनके एलिमेंट को, इनके एट्रीब्यूट्स को आप सभी लोगों ने लिख लेना है। आगे आने वाली जर्नी में ये आपका पार्ट रहेंगे, ये आपकी लाइफ का पार्ट रहेंगे, और यही वो नींव है जिस पे पूरी इमारत तय होगी, बनेगी। तो आप सभी लोगों को इनको रट लेना है, याद कर लेना है कि इस दिशा में ये, इस दिशा के एट्रीब्यूट या गुणधर्म ये हैं जिससे हमारी लाइफ में इस तरीके की प्रॉब्लम आती है। इन गुणधर्मों के सिवा कोई गुणधर्म नहीं है जिससे कोई प्रॉब्लम आती हो। अब मैं बात करूंगा सेंटर निकालने की। अब थोड़ा सा प्रैक्टिकल है कोर्स, थोड़ा सा प्रैक्टिकल हो जाएगा यहां पर। अब हम बात करेंगे सेंटर निकालने की। सेंटर कैसे निकलता है, क्यों हम बात करेंगे सेंटर निकालने की, क्योंकि 90% लोग सेंटर ही नहीं निकाल पाते। 90% लोगों को सेंटर निकालने में ही प्रॉब्लम आ जाती है। आज आप सभी लोगों को सिर्फ सेंटर निकालना सीखना है और इसकी प्रैक्टिस अपने घर पर करनी है। कैसे करनी है मैं ये आगे बताऊंगा। आपको हर घर का सेंटर निकालते आ जाना चाहिए और ये 16 जोन के एट्रीब्यूट क्लियर होने चाहिए। अब मैं बताता हूं, अगर मेरे पास ये एक घर था जिस घर में ये कंस्ट्रक्टेड एरिया था, और ये ओपन एरिया था, इसका सेंटर कैसे लिया जाएगा? ये कंस्ट्रक्टेड है, ये ओपन है। सेंटर मार्किंग अपने आप में सबसे बड़ा विषय है। जिसको सेंटर मार्किंग करनी नहीं आती उसको प्रॉब्लम आती है, पर आजकल एक वास्तु कंसल्टेंट का या जिनको अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है उनका विषय ही नहीं है कि उनको मैप बनाना आता हो या उनको ये सब करना आता हो, क्योंकि मार्केट में बहुत सस्ते ड्राफ्टमैन आजकल अवेलेबल हैं। वो आपको एक प्रोफेशनल नक्शा बना के देते हैं, सब कुछ जो भी हम इस कोर्स में देखेंगे वो मार्क करके देते हैं, और फाइनली आपको उस पर एक एक्सरे रिपोर्ट की तरह, डॉक्टर की तरह देख कर दवाइयां देनी होती हैं। मैं आपको बताऊं, पहले इसके अंदर सेंटर निकलेगा जो ये कंस्ट्रक्टेड एरिया का सेंटर, ये मैंने कंस्ट्रक्टेड एरिया मार्क किया, ये मैंने कंस्ट्रक्टेड एरिया मार्क किया, स्क्वायर उसका मैंने डायगनल्स को मैच किया, ये पूरे डायगनल्स मैच हो जाते हैं। ये जो निकल के आता है ये आपके घर का सेंटर होता है। आपको ऐसे प्लॉट्स में दो सेंटर लेने होंगे, एक सेंटर जो आपको दिखाई दे रहा है कंस्ट्रक्टेड का, ये दूसरा सेंटर, ये दो सेंटर आपको लेने होंगे। आज के लिए आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है, आपको सिर्फ यही प्रैक्टिस करनी है कि अलग अलग प्लान्स पर, अलग अलग नक्शों के सेंटर कैसे मार्क किए जाते हैं, बस यही प्रैक्टिस आपको करनी होगी। आगे बढ़ेंगे। अब ये दूसरा घर मेरे पास आया, अगर मान लो
कि ये एरिया कॉमन है, ये कॉमन एरिया है और ये स्टेयर्स सभी लोग यूज करते हैं ऊपर और नीचे, तो सेंटर कैसे आएगा? यहां से इन चार पॉइंट्स को मिलाकर इस कॉमन एरिया को छोड़ दिया जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, इसको नहीं लिया जाएगा। ऐसे आपको सेंटर लेना है, डायगोनल लाइंस को मैच करना है और आपके घर का सेंटर निकल जाएगा। आगे उसके बाद में एक रेक्टेंगुलर प्लॉट का, इसमें भी फ्रंट ओपन है और पीछे कंस्ट्रक्टेड है, इसका कैसे लेना है? अगर यहां तक एक परछत्ती बनी हुई है फर्स्ट फ्लोर की, अगर यहां तक एक परछत्ती बनी है फर्स्ट फ्लोर की, तो आपको इसका सेंटर लेना है पूरा। ये पूरा सेंटर लोगे अगर परछत्ती आगे बनी हुई है तो। अगर ये परछत्ती नहीं बनी हुई, अगर ये परछत्ती नहीं बनी हुई तो आपको ये वाला सेंटर लेना है। इसके बाद में जो लोग ऑटो कैड जानते हैं, परछत्ती का मतलब होता है रूफ टॉप एक्सटेंड किया हुआ फर्स्ट फ्लोर वालों ने, ऊपर एक छज्जा निकाल रखा है और जो आपका ओपन एरिया है उसका 50% उस छज्जे में कवर हो जाता हो, उसको परछत्ती या छज्जा या एक्सटेंडेड रूफ या टेरेस बोल सकते हैं। हमने ये लिया। लेने के बाद में जो लोग ऑटो कैड जानते हैं वो लोग मास ग्रेविटी सेंटर ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि सबको वास्तु कंसल्टेंट बनने के लिए ऑटोकैड आता हो। ऑटोकैड में जितनी बाउंड्री आप सेलेक्ट करेंगे उस बाउंड्री का एक टेंटेटिव एरिया ऑटोकैड खुद से निकालता है, वो आपके घर का सेंटर होता है। ये होता है मास ग्रेविटी सेंटर। सबसे ज्यादा जितनी बाउंड्री आपके घर में है उसको सेलेक्ट करके एक सेंटर निकाल दिया जाता है, उसको मास ग्रेविटी सेंटर बोलते हैं। एक और तरीका होता है सेंटर्स को निकालने का, जैसे ये मेरा गेट है, ये मेरा गेट है, ये मेरा गेट है और ये हमारा मेन गेट है और एक कमरे का गेट ये है। मैंने इन सभी गेटों में से एक पाथवे बनाया हर कमरे में जाने के लिए। इस तरीके से हर कमरे को आपस में लिंक करने की कोशिश करी। जैसे मैं दोबारा बनाता हूं, मैंने एक लाइन स्ट्रेट बनाई इस वाले गेट से, दूसरी ये हो गई, तीसरी ये हो गई, चौथी ये हो गई। इसी कमरे को मैंने इससे जोड़ा, इसको मैंने यूं इससे जोड़ा, यहां जोड़ा, इस किचन को हमने बाहर जोड़ा, इस किचन को हमने यहां से जोड़ा। तो अप्रोक्सीमेटली हमने सभी को देखा, तो सबसे ज्यादा जो फुटफॉल है वो यहां आया, तो ये हो गया हमारा सेंटर। इस तरीके से आपको मल्टीपल सेंटर बनाने पर प्रैक्टिस करनी होगी, ताकि जब भी आपको कोई ड्राफ्टमैन कोई नक्शा दे तो आप देख पाए कि उसका सेंटर सही है या नहीं। ये अलग अलग तरीके हैं सेंटर मार्क करने के, आप लोगों को आने चाहिए। अभी जिसका एल शेप है, अनइवन है, उस तरीके से हमारे पास है, मैं आगे बढ़ूंगा, अभी उसका मैं आगे आपको बताऊंगा कि सेंटर कैसे निकालना है।
आगे करेंगे, एक बार बात अगर मैं बात करता हूं एल शेप प्लॉट की, अगर मैं बात करूंगा एल शेप प्लॉट की, तो उसका सेंटर निकलेगा एक सेंटर ये और दूसरा सेंटर ये। हमारे पास इस तरीके से दो सेंटर्स आ जाएंगे। इन दोनों सेंटर पे फिर हम बाद में ग्रिड करके सिम्टम्स को मैच करते हैं और वो ही हमारा फाइनल सेंटर होता है। सिम्टम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, सिम्टम्स को जैसे ही हम मैच करते हैं वो हमारा फाइनल सेंटर होता है। कई बार सिम्टम यहां मैच करेंगे, कई बार सिम्टम यहां मैच करेंगे। सिम्टम्स क्या है? जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है। ग्रिडिंग क्या है? इन 16 दिशाएं जिनके मैंने एट्रीब्यूट आपको बताए, इसको आपको नक्शे पर मैप कैसे करना है ये। इसके बाद में ये हल्का सा कट है तो इसको छोड़ देंगे, सिर्फ सेंटर इसी का लिया जाएगा, इसको हटा दिया जाएगा। वैसे ही अगर यहां कट है अगर ये पोर्शन नहीं है तो भी हमें सेंटर पूरा ही लेना होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। सिर्फ एल शेप में दो सेंटर्स मार्क करने होते हैं। डाउट्स? चार्ज नहीं हो, कहां पर आते हैं? इधर साइड में। सर अबाउट टू स्टेयर्स, वन फ्रॉम इनसाइड हाउस एंड आउटसाइड हाउस। स्टेयरकेस का अभी हमने कोई विषय स्टार्ट नहीं किया है। कॉमन एरिया देखो, अगर स्टेयरकेस कॉमन है तो उसको काटा जाता है, घर के अंदर है तो उसको ग्रिड के अंदर या सेंटर के अंदर लिया जाता है। एक काम करो, इसी यहां इसी से जूम इस पे ले लो ताकि मेरे को कमेंट्स इजी हो जाए। वीडियो 2 से 3 मिनट का एक छोटा सा ब्रेक और हम फिर स्क्रीन पर ही मैं आप सभी के डाउट्स लेकर आगे क्लियर करूंगा। बने रहिए।
अनम्यूट हूं मैं। वाह गजब। कुछ लोग, मैं ये स्क्रीन ही देखना चाह रहा था, कुछ लोग तो बड़े नोटबुक पेंसिल लेकर सीरियसली ले रहे हैं और कुछ लोग बड़े आराम से गद्दों पर पसर कर सो रहे हैं जैसे सब कुछ सुनने मात्र से अंदर हो जाएगा। वाह, जिसको ये कला आती हो वो कला प्लीज मुझे सिखाइएगा जरूर। कुछ लोगों के चेहरे मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पे, आप लोग भी देख पा रहे होंगे। अपने आप को भी देख लीजिए कि कैसे दिख रहे हो आप लोग, अच्छे लग रहे हो सब। बात करेंगे किसी किसी लोगों से। मंगल सिंह, मंगल सिंह का चेहरा दिखाएं, बीच में मंगल सिंह जी आए थे। मंगल सिंह जी, आप पोस्ट बहुत शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सपना जी हैं, सपना जी बहुत पोस्ट को शेयर कर रही हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे लोग हैं और कुछ लोग मुझे नाम याद हैं जिन्होंने बहुत सारी की। सौरभ जैन ने पोस्ट बहुत शेयर करी, बहुत अच्छा लगा, वाकई में अच्छा लगा। और आनंद जी भी यहां पर हैं। पोस्ट लोग आप लोग शेयर कर रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हम लोग इस विषय में कामयाब हों, हम सब लोग कामयाब हों, हम सब लोग मिलकर काम करें। जो लोगों को कल रात को मैसेज गया था, जो लोगों को कल रात को मैसेज गया था कि आप लोग सक्सेसफुली एनरोल्ड हो, वो किसी किसी की फेसबुक आईडी पर दिखाई नहीं दे रहा है। किसी किसी की, लोगों ने उसको शेयर नहीं किया है कि आप लोग सक्सेसफुली एनरोल्ड हो। इसका फायदा क्या है और नुकसान क्या है, मैं आपको दोनों बता दूं। इसका फायदा और नुकसान, जो लोग शेयर करेंगे, मैंने वैसे 8 सेशन का वादा किया है, उसके अंदर जो मैं स्पेशल सरप्राइजेस है, ये जितना भी कंटेंट है ये तो हमारा 5वें-6वें सेशन में कंप्लीट हो जाएगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। जो एडिशनल है, जो लोग फ्री की बात भी नहीं लोगों तक पहुंचा सकते, उनको एक नोमा सेशन मैंने एडिशनल प्लान कर रखा है जिसका मैंने क्लेम नहीं किया, वो नहीं मिलेगा। आई थिंक आप लोगों को अब शक्ल दिखाई दे रही होगी। जो लोग उस बात को शेयर नहीं करेंगे, चाहे वो पैसे वाले हैं आगे जिन्होंने कोर्सेज में पैसे देके एनरोल किए, कुछ लोगों को ये वहम है कि 1200-2100 या 10-20,000 के कोर्सेज में एनरोल कर लिया तो हम, अब ऐसा नहीं है। मैं सारे कोर्सेज कराऊंगा जिनका मैंने आपको वादा किया है, जो मैंने कोस्टिंग ली है, कोई कमाई नहीं की। जो लोग नहीं शेयर कर रहे उनको ये नोमा एडिशनल सेशन, जिसमें मैं एक ऐसा विषय देने वाला हूं जिसपे बात आज तक किसी ने नहीं की, किसी ने भी उस विषय पर आज तक कभी बात नहीं करी, कभी कोई क्लास नहीं दी गई। द डिवाइन प्रपोर्शन का एक बहुत बड़ा अंश मैं उस नौवें सेशन में दूंगा। बट जिन लोगों ने कल रात तक, करीबन 100-150 लोगों ने उसको अपने बॉल पर डाला, उन सभी के नाम मेरे पास हैं, उनको तो वो मिलेगा ही, कुछ एडिशनल मैं और जो भी दे पाऊं। और जो लोग आज के बाद भी नहीं डालेंगे उनको नहीं मिलेगा। आप सभी के पास व्हाट्सएप पे दोबारा एक बार वो पोस्ट आ जाएगी, आप सभी लोगों को वो पोस्ट खुद डालनी है दैट यू आर सक्सेसफुली एनरोल्ड। और इसका क्या बेनिफिट है, जब आप ऐसा करते हो तो आप सभी लोगों को, लोग भी जान पाते हैं कि आपने कुछ सीखा है, आप कहीं एनरोल हुए हो। नहीं तो जो मेरी मर्जी, फ्री का कोर्स है, जो ना दूं, डन। कोशिश कीजिए, शेयर कीजिए, लोगों तक बात को पहुंचाइए। इसके बाद में व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, एक इमेज है जिसमें मेरी एक अच्छी सी फोटो लगी हुई है और नीचे लिखा हुआ है कि आपने सक्सेसफुली इस कोर्स को एनरोल कर लिया है। और वो एनरोलमेंट के बाद में वो पोस्ट आपको फेसबुक पर शेयर करनी है, या आप सभी लोगों के पास में मैसेज आ जाएगा, आया भी था, अब दोबारा आ जाएगा। आज उसको तुरंत डालिए, शेयर मत कीजिए, और मुझे टैग कीजिए आचार्य पंकित गोयल
या पंकित गोयल जो मेरी आईडी है उस पे मुझे टैग कीजिए। उसके बाद हम अपनी अगली जर्नी पे बढ़ेंगे। कुछ लोगों को मैसेज नहीं मिला, आप मिल जाएगा, कोई भी गैप नहीं है। जिन भी लोगों ने आपको ग्रुप्स में ऐड किया है उनको पर्सनल मैसेज ड्रॉप कीजिए 8548 2012 पर मैसेज ड्रॉप कीजिए कि आपको वो इमेज नहीं मिली। मैं क्यों जूम सेशन की बात कर रहा था, यहां से डाउट लेने के लिए, राइट, और शक्लें देखने के लिए। तो देखो, कल से ना ऐसे तैयार होके बैठना है जैसे आप ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग में नहीं एक फिजिकल सेशन में बैठे हो। फीलिंग आती है, मतलब अच्छे से मेकअप वेकअप करके जैसे बाहर हम बैठा करते थे वैसे बैठना है और सीरियसली लेना है कि हाँ आप कहीं पर हो और आपको कुछ मिल रहा है। ये सब कॉन्शियस प्लानिंग है आपके दिमाग की, अपने आप को ऊपर लेके जाने की। मिका जी से मैंने ये सीखा कि कहीं पर भी आप जाते हो तो कब आपको अच्छा नहीं दिखना और कब आपको अच्छा दिखना जरूरी है। आगे हम बात करेंगे, कुछ कुछ डाउट्स लेते हैं और फिर उसके बाद में हम कंप्लीट करते हैं। यहां पर दिखेंगे मेरे को डाउट, पीछे दिखेंगे, क्या हम इसको नहीं कर सकते छोटा बड़ा? डन। मैंने आज ही ऐड किया है, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बट आई एम नॉट यूजिंग फेसबुक। व्हाट्सएप पर शेयर करिए और उसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं आजकल के, मतलब वैसे तो मैं भी आजकल का हूं, पर जो लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं वो लोग वहां पर भी शेयर कर सकते हैं। आगे, कुछ लोगों की पेटी नहीं खुल रही, मैं दोबारा उसी बात पे आता हूं, पेटी क्या है पहले हम उस पर बात करते हैं। कुछ लोगों के डाउट्स अभी भी सेम है तो उनकी पेटी नहीं खुल रही, पेटी है क्या? एक बार एक लेडी की डिलीवरी हुई, हो रही थी, आधा घंटा रह गया। ये स्टोरीज मेरी नहीं है, मैंने भी सुनी है और रिलेटेबल है और याद रह गई। एक बार एक लेडी की डिलीवरी हुई, उसके पति भागा भागा डॉक्टर के पास गए। जाने के बाद डॉक्टर साहब को बोला, डॉक्टर साहब फटाफट करो मेरे घर पे चलो, पत्नी बीमार है, वक्त आ गया है कि अब बच्चा होने वाला है, आप आओ। डॉक्टर साहब ने हबड़ा दबड़ी में अपना एक सूटकेस उठाया और भागे, घर के अंदर गए, कमरा बंद किया, कमरा बंद करने के बाद में आदमी को बाहर छोड़ दिया। और 5 मिनट के बाद बाहर आए, आकर कहते फटाफट जा एक पेचकस लेके आ। वो फटाफट गया और पेचकस लेके आया और डॉक्टर साहब को दिया। डॉक्टर साहब ने फिर से कमरा बंद किया, कमरा बंद करने के बाद में डॉक्टर साहब फिर 5 मिनट के बाद बाहर आए, आके कहते एक प्लास लेके आ। मरता क्या ना करता, फिर से वापस आया, आने के बाद में कमरा बंद किया और फिर 5 मिनट के बाद में डॉक्टर साहब फिर से बाहर आए, कहते एक हथौड़ा लेके आ। अब वो फिर से गया, मरता क्या ना करता, कैसा क्या आयरन मैन पैदा हो रहा है। फिर से गया और हथौड़ा लेकर आया, और जब हथौड़ा लेकर आया डॉक्टर साहब फिर से बाहर आए, आकर हथौड़ा लिया, अंदर गए, आधे घंटे बाद वापस बाहर आए, फुल टेंशन में, क्या तू किसी चीज से नहीं मानेगा, तू एक काम कर बड़ा पत्थर लेके आ। वो फिर से भागा भागा गया और रुका, सोचा, कह रहे भाई पत्थर क्या काम आएगा बच्चे पैदा होने में। वो अंदर गया, डॉक्टर को बोला, भाई तू रहने दे, तू ये कर क्या रहा है, अब पत्थर का क्या काम। डॉक्टर बोलता, बेटा बच्चा तो तब होगा जब ये पेटी खुलेगी, तुम्हारी पेटी ही नहीं खुल रही, मैनिफेस्टेशन तब होगी, वास्तु तब आएगा जब पेटियां खोलोगे। पेटियां कैसे खुल रही हैं सबकी? पेटियां खुल रही हैं, मेरे घर में यहां पर ये है, मेरे घर में स्टेयर्स हैं, मेरे घर में चूल्हा यहां पर पड़ा हुआ है। अरे पेटी खोलो, सिखा रहा हूं, डॉक्टर बन जाओ। अपने डाउट्स को छोड़कर आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हंसी मजाक, मौज मस्ती, फन, हैप्पीनेस, मैनिफेस्टेशन, ग्रोथ। अपने अपने डाउट्स को लिखिए, भेजिए, पर
सलाहकार बनने के लिए, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए प्रोसेस जरूरी है. मेरे लिए बहुत आसान था आप सभी लोगों को अपने ऑफिस में बुलाना, बिठाना और बताना कि ये आपके घर में दोष है. मेरी इच्छा थी कि मैं सिखा पाऊं, ताकि अगर मैं आज 1200 लोगों तक पिछले 15 दिनों में पहुंच पाया हूं, तो ये 1200 लोग कितनी जनों तक पहुंच जाएंगे कि हम सोच नहीं सकते. हम सभी लोगों को इसी तरीके से काम करना है, आगे बढ़ना है, लोगों की सेवा करनी है. मैं आपके साथ रहूंगा, मेरे ऑफिस के दरवाजे खुले होंगे, इंटर्नशिप में हम सब लोग मिलेंगे भी. ये सिनेरियो पैनडमिक का दूर हो जाए, हम सब लोग मिलकर काम करेंगे. आप सभी लोग 8 सेशंस को अच्छे से कीजिए, लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए. अपने आसपास देखिए कि कौन चाय वाला कितना अमीर है और कौन कितना अमीर होके भी दिल का कितना गरीब है. आगे बढ़ते हैं, आप सभी के डाउट्स को लेते हैं. इधर से तो आई थिंक जी आई थिंक डाउट्स आईपैड पे ही मेरे को, हाँ बोलते, मैं डाउट्स क्लियर करता हूँ. फिर हम एक छोटी सी वीडियो देखेंगे कि घर में एक ड्राफ्टमैन कैसे आता है और कैसे, या पहले एक काम कर वीडियो देख ले, पहले हम वो वीडियो देख लेते हैं, फिर दोबारा से 1-to-1 सेशन लेकर और डाउट्स क्लियर करेंगे. वीडियो में क्या है कि एक ड्राफ्टमैन आपके घर में क्या कैसे आता है, क्या क्या करता है, घर को नापा कैसे जाता है. हमें ये सीखना नहीं है, समझना है. फर्क क्या है सीखने और समझने में, क्योंकि हमारा और आपका काम नक्शा बनाना नहीं है. एक्सरे मशीन का काम होता है एक्सरे को जनरेट करना, और डॉक्टर का काम होता है उसको पढ़ना. पर प्रोसेस आना चाहिए, इसलिए बताया जाएगा आगे. अभी एक वीडियो ऑन होगी कि कैसे एक ड्राफ्टमैन एक घर के अंदर जाता है और फिर उसको अलग अलग लेवल्स पे जाके डिग्रीज लेता है. डिग्री वाली बात को ज्यादा देखना या तवज्जो नहीं देनी, क्योंकि जब उसका सेशन आएगा डिग्रीज का, तब आपको दोबारा बताया जाएगा. एज ऑफ नाउ कि नक्शा नवीस कितने तरीके से नापता है, या अगर आपका भी मन है खुद से नक्शा बनाने का, जैसे आप आज सभी लोग सेशन करोगे, तो अपने घर का नक्शा सिर्फ सेंटर मार्किंग के लिए कैसे बनाना है, मैं आपको वीडियो के द्वारा बताता हूं. ये एक नक्शा नवीस घर के बाहर गए और जाने के बाद में घर की गेट की तरफ फेस करके उन्होंने कुछ कंपास पे डिग्रीज ली. उसके बाद में ये अंदर गए, अंदर जाने के बाद में इन्होंने घर को ऑब्जर्व किया कि घर कैसा है, कहां पर कैसे कमरे हैं, एक रफ लेआउट अपने दिमाग में बनाया. ये रियल लाइफ है, जो लास्ट घर में ये हमारे ड्राफ्टमैन गए थे वहीं से ये वीडियोस बनाकर लेके आए. इन्होंने ये एक बनाया, बनाने के बाद में एक नोटबुक पर रफ लेआउट बना लिया, बिल्कुल टेंटेटिव रफ, जिसमें कोई फेयरनेस नहीं है, एक रफ टेंटेटिव लेआउट बनाया. बनाने के बाद में वो नापा अनपाई करेंगे मीटर की हेल्प से, या फिर इलेक्ट्रिक मीटर, या फिर जो हमारे इंची टेप्स आते थे उनकी हेल्प से. तो ये आपने देखा होगा कि ये हमारे ड्राफ्टमैन है, इन्होंने दीवार पर ये मीटर लगाया और इस दीवार से सामने वाली दीवार की दूरी 21 फीट इनको प्राप्त हुई. आगे करेंगे. सेम ऐसे ही अगर आपके पास मीटर नहीं है, आप अपने घर में एक दीवार से दूसरी दीवार को नापने के लिए इस तरीके से इंची टेप का इस्तेमाल कर सकते हैं. उसके बाद में आपको जो डिग्री, जैसे एक बार पोज कीजिएगा, जैसे ये जो आपका हमने मीटर अगर यहां से यहां पर लगाया और वो 12 या 21 फुट जो भी आया, या 21 फुट वाली शायद ये थी, तो इन्होंने यहां पर लगाया होगा. इन्होंने उसी रफ प्लान पर 21 फुट को लिख दिया
आपको भी क्या करना है, आपको भी आगे ऐसा ही करना है। जब आप एक पहले रफ लेआउट बनाएंगे, डिग्रीज को अभी छोड़ दीजिए, आपने घर को ऑब्जर्व किया, उसका एक रफ लेआउट बनाया, रफ लेआउट को बनाने के बाद में आपने जिस दीवार से जिस दीवार को जो नापा है वो लिख दिया, उसके आगे करेंगे, उसके आगे ऑटो कैड या बार ग्राफ। जिन लोगों को ऑटो कैड आता है, क्योंकि नक्शा नवीस हमारे ऑटो कैड पे ही बनाते हैं, इन्होंने नक्शे को ऑटो कैड पे बनाया और फिर उसके बाद में ये डिग्रीज वाला प्रोसेस है, इसको अभी हम छोड़ देते हैं, ये आगे आने वाले सेशन में आपको दोबारा क्लियर होगा कि डिग्री को ना सिर्फ घर में एंटर करते वक्त बल्कि छत पर जाकर सेम फेसिंग, अगर मेरा फेस आप लोगों की तरफ है, इसी फेसिंग में कंपास से भी आपको डिग्री लेनी होती है। प्ले करेंगे वीडियो को। ये देखिए, उन्होंने सेम फेसिंग पर जाकर डिग्रीज ली। पोज करेंगे, अब इस घर में जब वो गए थे और यहां पर जब स्टेयर्स से चढ़े थे तब उनकी फेसिंग इस तरफ थी, ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए छत पर जाकर भी इन्होंने सेम फेसिंग करते हुए डिग्री ली। और डिग्री क्या होती है, जो ये लिखी हुई आ रही है, ये आपकी डिग्री होती है। अभी के लिए आपको डिग्री पर फोकस नहीं करना, क्योंकि ये आगे का विषय है। फोकस किस पर करना है कि नक्शा कैसे बनाया जाता है। हाँ, अब हम दोबारा से जूम के सेशन को देखेंगे और आप सभी से बात करूंगा मैं। कुछ लोग इस सेशन का वीडियो बना रहे हैं, इसको अच्छा बोलें या बुरा बोलें, मतलब ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, पर मेरा मानना ये है कि नहीं करना चाहिए। जब आप किसी दूसरी डिवाइस को ये मौका देते हो आपकी जगह सुनने का, तो आपको कभी कुछ समझ में नहीं आता, ऐसा मेरा मानना है। रेस्ट आप सभी लोग अपने आप से ईमानदारी रखते हुए लोगों को सेशन के बारे में बताएं। अगर किसी को आपको ये वीडियोस देनी है तो ये YouTube पर आएंगी, Facebook पर आएंगी, पूरा सेशन नहीं आएगा, या कुछ सिलेक्टेड लोगों के लिए पूरा सेशन एक जगह पर अवेलेबल करवाया है हमने। पर अगर आपको किसी से साझा करना है तो सच्ची बात साझी कीजिए। आपकी बनाई हुई Zoom की एक वीडियो अपने लिए भी रख रहे हो तो गलत है, क्योंकि आप अपने माइंड की पावर को किसी एक डिवाइस के हाथ में दे रहे हो। रेस्ट आप सभी लोगों की इच्छा। मैं आगे बात करूंगा कि कुछ लोगों ने जो डाउट पूछे हैं इसमें कैसे निकलेंगे डाउट। एक और बात, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक छोटा सा टेक्निकल इश्यू हो जाने के कारण इसमें करूंगा मैं, आप या तो डाउट्स मेरे को बोल दो और फिर मैं लोगों को, बहुत सारे टेक्निकल इश्यूज हुए, उसमें से एक इशू ये था कि हमारे करीबन 200 लोग आज सेशन में जुड़ नहीं पाए। कुछ जूम की टेक्निकलिटीज थी, हमने सीटों को 500 रखा था, वो 300 पर आकर स्टक हो गई। तो आप में से कुछ लोग ऐसे हों जिनके लोग या जिनके दोस्त नहीं आ पाए या जिन्होंने आगे जोड़ा था वो नहीं आ पाए, उनकी लिस्ट बनाकर 854x8 2012 पर दे दीजिएगा। मैं उन सभी को रिकॉर्डेड सेशन आज शाम तक प्रोवाइड करा दूंगा ताकि कल से हम लोग दोबारा एक स्पीड में आ जाए। डन है इसमें से देखें। ओके ओके, ये सभी लोगों के चेहरे नहीं दिख सकते क्या हमें? अच्छा, डन।
सर कैलकुलेटिंग द सेंटर ऑफ अ प्लॉट स्टिल नॉट क्लियर, देर आर मेनी टाइप्स ऑफ प्लॉट, काइंडली डिस्कस मोर प्लॉट. परफेक्ट रागिनी, मैं इस बारे में बात करूंगा. बिल्कुल गलत है रिकॉर्डिंग. अच्छा अच्छा, मुझे लगा आप मुझे बोल रहे हो बिल्कुल गलत पढ़ा रहे हैं. सर यू आर डूइंग ग्रेट वर्क, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. सर एक क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन है मंगल सिंह जी प्लीज लिखिए, हम बात नहीं करेंगे नहीं तो जो सेशन है ये डिस्टर्ब हो जाता है. जिसको नहीं पता था कि मैसेज नहीं करना है वो आगे कर दीजिएगा. आई हैव नॉट गोट एनी फेसबुक टैग्स ना सर, कैसे डालनी है वो किसी ने नहीं आता. कोई गैप नहीं है, जिसको नहीं आती वो आज उनके पास दोबारा मैसेज आ जाएगा. फेसबुक पे जाएं, अपनी ही वॉल पर जाकर पोस्ट कर दें दैट यू गाइस आर सक्सेसफुली एनरोल्ड फॉर दिस कोर्स. अगर कोई फेसबुक यूज नहीं कर रहा तो अपने वेबसाइट की स्टेटस पे डाल दीजिए. कोई बिल्कुल ही नहीं कर रहा तो जो एक प्यारा सा मैसेज लिख के दे दीजिए, जी मुझसे नहीं हो पा रहा, हम लोग आपके साथ में. आगे, यस इट इज एब्सोल्युटली ओके एंड फाइन टू यूज ऑटोकैड मास ग्रेविटी सेंटर फॉर एवरी केस. किसी किसी केस में सिम्टम के आधार पर कोई गैप आता है, वो आपको खुद को एक बार देखना होता है. इन सेशंस में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे देखा जाता है, क्योंकि अप्रोक्सीमेटली 10 से 15 प्रैक्टिकल केसेस सेंटर वाले भी मैं इस सेशन में करवाऊंगा. आगे, आर यू गोइंग टू शेयर नोट्स ऑफ दिस सेशन? मुझे लग नहीं रहा कि कोई रिक्वायरमेंट है नोट्स शेयर करने की, क्योंकि आप सभी ने सब कुछ लिखा ही होगा. जिन भी नोट्स की रिक्वायरमेंट लगेगी, या ये पूरा सेशन मेरी खुद की अनुभव से है, तो जिन भी लोगों जो नोट्स मैंने कभी जिंदगी में बनाए थे, हालांकि मैंने कभी कोई नोट्स बनाए नहीं, अगर जो मैंने बनाए थे या मुझे लगा कि लोग मुझे कोई देता है ऐसी पीडीएफ या वो बुक्स, तो वैसे नोट्स मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं, वो मैं जरूर दूंगा. मुझे ऐसा लगा कि कई नोट्स आप लोगों की बाधा बन जाते हैं, आप लोग रेडी रिकर्नर अपने साथ में तैयार रखते हैं, आपका माइंड विकसित नहीं होता, इसलिए मैं वो आप लोगों को नहीं दे रहा. पर अगर रिक्वायरमेंट हुई तो पक्का शेयर किया जाएगा. सर मैं अपनी शहर में रहकर आपके साथ काम करना चाहता हूं. परफेक्ट है, जो लोग काम करना चाहते हैं 8548 2012 पर मैसेज डाल देंगे. हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छी. बट अगेन मोटिव इज द चैरिटी बिगिंस एट होम. व्हाट डू यू कॉल दैट इलेक्ट्रिक डिवाइस टू मेजर? मुझे नहीं पता जी, ड्राफ्टमैन करता है. मुझे नहीं पता कि ये क्या होता है उसका नाम, शायद इलेक्ट्रिक मीटर टेप बोलते होंगे. बाकी अगर आप कहते हो तो मैं कल इसको पता करा के बता दूंगा. आई टोटली एग्री एंड रिस्पेक्ट द सेशन शुड नॉट बी रिकॉर्डेड विदाउट परमिशन, दिस इज लाइक स्टीलिंग फ्रॉम गुरु. आई लिटरली डोंट नो अमित जी कि दिस इज लाइक स्टीलिंग और समथिंग, बट मेरे हिसाब से ये उन्हीं के प्रोसेस की में गलती पैदा करेगा और उनके उनको लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करेगा. सर कैलकुलेटिंग सेंटर ऑफ अ प्लॉट स्टिल नॉट क्लियर, इस पे तो हो गया था ना कैलकुलेटिंग सेंटर. एक बार वीडियो यहीं तक रखेंगे, मैं उसके बाद में कैलकुलेटिंग सेंटर के बाद में आगे बात करता हूं. अलग अलग तरीके के प्लॉट्स जब भी होते हैं, जैसे ये टेढ़ा प्लॉट है, आपको हमेशा इसके चारों कॉर्नर को मिला देना है, ये एक टेंटेटिव सेंटर आ जाएगा. ये एक सेंटर होता है, ऑटोकैड मास ग्रेविटी सेंटर होता है, और शेरमुखी गौमुखी जो मैंने लिखा है अभी मैं उसका सिर्फ सेंटर बता रहा हूं और कुछ भी नहीं. शेरमुखी गौमुखी किनको लेना चाहिए, नहीं भी लेना चाहिए, इसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है जो आगे आएगा. अगर इस तरीके का आपका घर है या प्लॉट है तो इसका सेंटर कैसे लेना है, जैसे ये वाली वॉल आपकी 10 फुट की आई तो मैंने यहां से एक वर्चुअल वॉल मान ली और इस कॉर्नर से एक सेंटर ये ले लिया. ये किस केस में होगा, जिस केस में टोटल लेंथ 20 फीट से लेस है. 20 फीट क्यों, अगर ये 10 है और ये टोटल 18 है तो मैं यहां पर 10 पे ही काटूंगा. इस बात को ध्यान से सुनना, मैं दोबारा बताता हूं. अगर एक वॉल 20 फिट्स की है और यहां से डायगनल बना
और प्लॉट की शेप चेंज हो गई, और ये जो नीचे वाली आपकी दीवार है ये 50% से ज्यादा है, 50% मतलब 10, 11, 12, 13, 14 फुट है, तो आप इस तरीके से सेंटर लेंगे और इसका सेंटर में इंक्लूड नहीं करेंगे, ग्रिड में इंक्लूड करेंगे। ग्रिड क्या होती है हम आगे बात करेंगे। तो इसका सेंटर निकल जाएगा ये वाला। अब मैं आगे बात करूंगा कि ये ऐसा कोई प्लॉट आ गया है आपके पास में, उस केस में क्या करेंगे, तो बेस्ट है मास ग्रेविटी सेंटर, या फिर जो यहां से लेकर यहां तक अगर ये 10 फिट है, इसका 5-5 फिट कर लेंगे, पांच फिट कर लिया, इस 5 फीट पे एक हाइपोथेटिकल वॉल क्रिएट की और ये सेंटर हमने ले लिया। ये इस प्लॉट का सेंटर होगा जिसमें इस तरीके के टेढ़े प्लॉट होंगे। आपको बहुत ज्यादा कोई इसमें फिक्सेशन है नहीं है, आपको टेंटेटिव एक आइडिया लेना है कि सेंटर क्या होता है। अलग अलग प्लॉट अलग अलग तरीके से रोज केस स्टडीज में आएंगे, तब आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से काम करना है। आई होप कि आप सभी लोगों को सेंटर निकालना और 16 जोन्स क्लियर हो गए होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे दिखाएंगे आप, 39 न्यू मैसेजेस आ रहे हैं। Please tell how to take out the centers of a Gomukhi plot which has 7 corners. 7 corners वाला plot का कोई how to improve consideration? Okay, मैं कोशिश करता हूं कि मैं इसकी कोई case studies आप लोगों से real life share करूं और फिर मैं आपसे बात करूं। Center कैसे निकालना है? 7 corners हैं, कितने भी corners center निकालने का तरीका सेम है। मैं एक बार practically आपको करवा दूंगा। मकान फ्रंट और बैक से बना हुआ है और बीच में खाली है तो सेंटर कैसे? परफेक्ट क्वेश्चन है ये, डन। मैं इस पे बात करता हूं। ये आपका जो मकान है, ये पूरा प्लॉट है और ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है। बीच में प्लॉट है, ये दोनों कंस्ट्रक्टेड एरिया। इसका सेंटर कैसे निकालेंगे? एक सेंटर होगा पूरा, सिर्फ सेंटर की बात कर रहा हूं, सिम्टम्स और ग्रिड की बात नहीं कर रहा। 3 सेंटर आप लोगों को इसके निकाल के रखने होंगे। दूसरा सेंटर आएगा ये, तीसरा सेंटर आएगा ये, फिर हम सिम्टम्स की आगे जाके बात करेंगे। और एक सेंटर होता है इन दोनों सेंटर्स को जोड़ के, इसका 50% निकाल लेना, उसके सिम्टम्स हमेशा मैच होते हैं। परफेक्ट। Give some light on भूमि पूजन, वेरी गुड क्वेश्चन। भूमि पूजन हम 8th सेशन में बात करेंगे, लिख लीजिएगा सहयोगी जो इस बात को नोट कर रहे हैं, आई थिंक प्रिंस कर रहे हैं, प्रिंस इस बात को लिख लीजिएगा प्लीज। सर प्लीज, बिकॉज ऑफ माई नेटवर्क इश्यू आई डोंट रीड प्रॉपरली, सो प्लीज शेयर द वीडियो, प्लीज शेयर द वीडियो। डन है, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि वीडियो शेयर करी जा सके, स्पेशली किसी की अगर रिक्वेस्ट होती है तो।
कोशिश करते हैं. आई वॉन्ट टू वर्क विद यू, पूरी कोशिश है कि हम सब लोग मिलकर काम करें. मैं भी चाहता हूं कि मैं आप लोगों के साथ में काम करूं, और मोस्ट वेलकम. सर ग्रुप में गायत्री तृप्ति मैडम है, बहुत अच्छे नोट्स बनाती हैं, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए नोट्स के लिए. गायत्री जी आपकी रिक्वेस्ट आई है, अगर आप सुन रहे हैं मेरी बात को तो आप नोट्स बना लीजिए, पर नोट्स को डायरेक्टली ग्रुप में पार्क मत कीजिए, पहले टीम को पार्क कीजिए. अगर नोट्स में कुछ कमी होती है तो हम शेयर नहीं करेंगे. बाकी जितने भी लोगों की ऐसी रिक्वेस्ट है नोट्स की, मैं दोबारा बोल दूं कि आप अपने माइंड को स्ट्रेट ना ले जाकर कंफ्यूज कर रहे हो, क्योंकि आपके माइंड को जरूरत नहीं है. जितना मैंने आज पढ़ाया है आप खुद इसको लिख के अगर आज प्रैक्टिस कर लोगे तो कल आप सभी को ये 100% आ जाएगा, मेरी गारंटी है. आप लोगों को जरूरत नहीं है. आगे फोर सेंटर ओपन टू स्काई कंपनी शुड बी इंक्लूडेड, और फोर सेंटर ओपन टू स्काई इन कंपनी शुड इंक्लूड और ओनली कवर एरिया इफ इन बोथ सेंटर योर प्रॉब्लम इज सेम. यस समटाइम्स वी हैव टू इंक्लूड द ओपन एरिया टू. मिस्टर चिंतन जी हाउ टू गेट द सेंटर पॉइंट इफ प्लॉट हैज नॉट डिफाइंड शेप. ऐसा कभी नहीं होता है कि प्लॉट की कोई डिफाइंड शेप नहीं है. बाउंड्री नहीं है ये जरूर हो सकता है, लेकिन कहीं कागजों में कोई तो शेप होगी जो उस प्लॉट की होगी, आपको उसी का सेंटर लेना है. बॉश कंपनी मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल एट चावरी बाजार ओल्ड शॉप. जी ठीक है डन. आगे इफ इट इज पॉसिबल टू शेयर द स्लाइड देन इन द एंड सो दैट वी कैन नोट व्हाट वी हैव मिस्ड. देखते हैं जी, ट्राई करते हैं, गारंटी नहीं है. प्लीज टेक एग्जाम्पल ऑफ फ्लैट्स आल्सो एंड अपार्टमेंट्स. जितने भी एग्जाम्पल्स मैं अभी दे रहा हूँ गौरव जी, ये सारे मेरे रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं, और फ्लैट्स के धीरे धीरे करके आने लग जाएंगे. हर तरीके के हैं, गांव के, फैक्ट्री के, फ्लैट्स के, कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के. फ्लैट का सेंटर कैसे निकाले, बालकोनीज और विदाउट बिल्डिंग. परफेक्ट क्वेश्चन. एक सेकेंड, ये एक मकान है जिसमें यहां पर एक बालकनी है. अगर ये बालकनी यूज है, वॉशिंग मशीन रखी है, कोई साइकिल खड़ी कर रखी है, या कुछ सामान पड़ा है, तो इसको इंक्लूड कर लिया जाएगा पूरे सेंटर में. सेंटर निकालने के लिए इंक्लूड करेंगे. अगर बालकनी जो है वो यूजफुल नहीं है, तो आप सेंटर सिर्फ इतना निकाल लोगे. ये एक बात हो गई. दूसरी बात, बालकनी का रेशियो भी कितना है. बालकनी अगर ये वाला हमारा 100 फुट है और बालकनी बनी हुई है 60 फुट में, तो आप उसको सेंटर में लेंगे एक्सक्लूड करके. अगर बालकनी बनी हुई है 30 या 40 फुट में, तो इसको सेंटर में नहीं लेंगे. ये एक क्रिस्टल क्लियर तरीका है. अभी के लिए जितने मैक्सिमम पॉसिबल सेंटर्स आपको लगते हैं, आप लोगों को उस पर वर्किंग करनी है. अभी आगे करना क्या है, घर पे जाकर आपको टेंटेटिव अपने घर का एक नक्शा ड्रॉ करना है, रफ लेआउट बुलाकर, कल सुबह इंची टेप मंगाकर, अपने घर वालों को थोड़ा सा तंग करके, उनके साथ में लगकर नाप कर, बार ग्राफ या फिर बार चार्ट जिसको हम बोलते हैं, ग्राफ पेपर, या फिर स्केल की हेल्प से एक प्लान बना लेना है. जितने रिश्तेदारों की प्लान मंगा सकते हो वो भी मंगा लीजिए. नहीं तो कुछ भी ना चले तो एक ऐसे ही नोटबुक और पेन लीजिए, उस पर जो आइडिया दिमाग में आए उसका एक सेंटर निकाल लीजिए. ऐसे करके जो भी फ्लैट्स आपके दिमाग में आते जाए, जो भी प्लान आपके दिमाग में आता जाए, ऐसे ऐसे करके उसका सेंटर निकाल लीजिए. अरे इसका सेंटर कैसे निकलेगा, इसको मैंने एक्सटेंड मान लिया, इसको मैंने एक्सटेंड मान लिया, सेंटर निकल गया. ऐसे जो भी प्लान आपके दिमाग में आते जाए उसके नोट्स बनाइए और फिर उन पर काम कीजिए. आप सभी लोगों को सेंटर निकालना आ जाएगा और 16 दिशा के गुणधर्म बड़े आराम से इजीली आ जाएंगे.
means in L-shape extension node to consider and cut area to be taken. नहीं, जैसा मैंने आपको बताया, extension ज्यादा है तो extension लेनी है, cut ज्यादा है तो cut को लेना है, ऐसा नहीं करना. ये आपका L shape है, ये अगेन 100 फुट है, 100 फुट में से 80 फुट एक्सटेंडेड है. सेम ऐसे ही यहां पर देखना है हमें कि अगर ये भी 100 फुट है और ये वाला एरिया भी 80 फुट एक्सटेंडेड है तो इसके दो सेंटर लिए जाएंगे, एक सेंटर ये लिया जाएगा और एक सेंटर ये लिया जाएगा. एक सेंटर ये लिया जाएगा और एक सेंटर ये लिया जाएगा और दोनों के सिम्टम्स मैच किए जाएंगे. अगेन इसके अंदर एक और काम होता है, कई बार जब आपको इसको और इसको मैच करके यहां पर एक सेंटर इसका 50% लेना होता है, वो आपके घर का सेंटर होता है. अभी मैं इस पे इतना फोकस इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि जब जैसे जैसे आपकी लाइफ में केसेस बढ़ते चले जाएंगे, आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, तब आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए या तभी आपको ये सब चीजों पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए. आगे मैं बात करूंगा, अभी के लिए आप प्रैक्टिस कीजिए सिर्फ सिर्फ और सिर्फ इस बात की कि आप सभी लोगों को टेंटेटिव सेंटर निकालना आ जाए और 16 जोन रटे हुए हों. नॉर्थ किसका, नॉर्थ का गुणधर्म क्या है आपको पता हो, ईस्ट का क्या है आपको पता हो, ये आते चाहिए, बाकी सब कुछ हम आगे पढ़ ही लेंगे. आगे बढ़ेंगे. ममता जी का कोई क्वेश्चन है? आई पोस्ट क्वेश्चन अबाउट एट्रीब्यूट्स, क्या क्वेश्चन है ममता जी? अपने क्वेश्चन को दोबारा लिखिए प्लीज, फिर हम देखते हैं. आजकल बालकनी पर रूम या बाथरूम एक्सटेंड कर दिए जाते हैं, उनको कैसे ट्रीट करना है? सेम, जो भी चीज को एक्सटेंड किया गया है उसको आपको अपने घर के सेंटर में लेना है. जैसे मैंने ये बनाई, ये बालकनी आ गई, अगर मैंने इसको यूज कर लिया तो ये सेंटर में इंक्लूड हो जाए. यहां पर मैंने एक्सटेंशन माना और पूरा सेंटर ले लिया. सर क्या बने हुए घर की भूमि का पूजन कर सकते हैं क्योंकि घर पहले से बना हुआ है? मस्त क्वेश्चन. इस क्वेश्चन को मैं 8वें दिन आंसर करूंगा कि पूजा बने हुए घर में फिर कैसे करनी है और नए घर में कैसे करनी है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है. परफेक्ट सर. इफ देयर इज अ बिग प्लॉट एंड वैकेंट फ्रॉम द फ्रंट, आगे करेंगे. आई थिंक ये तो मैंने क्लियर कर दिया है, आगे करेंगे. डन 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 डन. पैड अगर हो गया है तो मैं आईपैड दे दूंगा. बंद है? ओके, रहने दो. बाकी लोगों के चेहरे दिखाओ. कुछ लोग एकदम सटाक से हो गए, बैठ गए जैसे चेहरों की बात आई गई. मैं तो नहीं आ रहा. गजब. सलाम. रियलमी 2, आप अपना नाम रियल लिखिए, ये रियलमी मत लिखिए, अपना नाम लिखिए, पहचानने में दिक्कत आती है. आप ऐसे अदाब या सलाम कुछ कर रहे थे, रियलमी 2 नाम आ रहा है आपका. परफेक्ट परफेक्ट. और अनित जी गाड़ी में सेशन सुन रहे हैं. चलिए आगे बढ़ते हैं. डन, हम आगे बढ़ेंगे. इज देयर एनी वास्तु पूजा डन बिफोर शिफ्टिंग अ न्यू हाउस? यस एब्सोल्युटली, एंड इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन फाउंडेशन ऑफ अ होम.
Yes, और मजे की बात, मैं ऐसे बहुत सारे पंडित जो ये काम करते हैं उनकी एक टीम डेवलप कर रहा हूं, और कोशिश है कि हम लोग उनके रेफरेंस से आगे वास्तु पूजन वगैरह कराएं जब भी नए हाउस की हम बात करेंगे। और क्योंकि इस सेशन में नए हाउस का टॉप, नए घर को डिजाइन करने का टॉपिक है, वहां पर मैं इस बात को बताना चाहता था। आगे कॉमेडी प्रोफेशन, कॉमेडी, दोज हु बिलोंग्स टू कॉमेडी बी प्रोफेशन, डज दे हैव स्ट्रॉन्ग ईएनई? जो कॉमेडी के प्रोफेशन में है उनका ईएनई स्ट्रॉन्ग होता है? यस, बिल्कुल उनका ईएनई बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपके पास जल्द ही एक बहुत बड़े इंसान की केस स्टडी आएगी। Yes, ममता जी, साउथ साउथ वेस्ट देवता इज गंधर्व देवता, that too you said during the session, means those who belongs to singing profession have strong south south west. Exactly. वरुण, रियल मी टू का नाम है वरुण जी। वरुण जी आगे बढ़ते हैं। डन। आई थिंक आज के लिए बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीजें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। हम इसी तरीके से अगले 8 सेशन और कुछ लोग लगभग अगले 70 सेशन तक मेरे साथ बने रहेंगे अलग अलग दिनों पे। हम सभी लोग आई थिंक अगले 3 महीने के बाद में सिचुएशन नॉर्मल होगी, इंटर्नशिप करेंगे, रियल लाइफ केसेस पे जाएंगे, मैं साथ में साइट विजिट्स करूंगा, क्लाइंट क्या बोल रहा है, जैसे एक स्टूडियो रूम, जैसे ये रूम मैंने बनाया है, नहीं चालू रखो उसको, जैसे ये रूम मैंने बनाया है, ऐसे ही मेरी क्लाइंट से जो मीटिंग हो रही है ये आप सभी लोग स्क्रीन पर देखेंगे विद द परमिशन ऑफ द क्लाइंट ऑफ कोर्स, कि मेरी उनसे क्या बात हुई, मैंने क्या नोट्स बनाए, क्या लिखा, क्या रेमेडी उसी समय दे दी, क्या क्या प्लानिंग हुई उनकी, पूरी फाइल रूम एक होगा, वहां पर हम लोग जाएंगे, फाइल उठाएंगे, क्या क्या उपाय किए हैं, कब न्यूमरो का, कब एस्ट्रो का, कब वास्तु का, कब डिवाइन प्रपोर्शन का, अलग अलग उपाय मैंने उनको करवाए हैं, और फिर लास्ट में जब उनसे दोबारा मीटिंग होके उनको कैसा महसूस हुआ, यहाँ तक का पूरा स्ट्रक्चर रहेगा। किसी को रिजल्ट नहीं आए तो वो भी आपके सामने ही होगा। डन। तो हम इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करनी है सेंटर निकालने की और 16 जोन मार्क करने की, और रात को पोस्ट करना है फेसबुक पर दैट यू गाइस हैव सक्सेसफुली एनरोल्ड फॉर बिगिनियर वास्तु कोर्स बाय आचार्य पंकित गोयल। ये एक पोस्ट आप सभी लोगों तक पहुंच जाएगी। जो भी साथी आपके 200 साथी कुछ हैं आपके जो इस सेशन में नहीं आ पाए टेक्निकलिटीज इश्यू के कारण, रिक्वेस्ट है, मैसेजेस पड़े हैं, जिन जिन के जो जो साथी हैं आप उनको मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा कि कुछ टेक्निकल इश्यू हो गया, बट पूरी कोशिश है कि मैं इसको रिजोल्व कल तक कर लूंगा। और कोई सुझाव आपके सेशन को बेहतर बनाने के लिए हो तो लिख के दीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ के आइएगा, नोट्स बना के आइएगा, लिख कर आइएगा, और प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नेवर फॉरगेट दैट चैरिटी बिगेन्स एट होम। फैलाइए खुशियां ताकि आप पर खुशियां ही लौट कर आएं, क्योंकि जो बोएंगे काटेंगे तो वही। थैंक यू। कल मिलेंगे दोपहर में 3 बजे दोबारा। 2:30 बजे आना स्टार्ट कर दीजिएगा, जैसे आप लोगों ने आना स्टार्ट किया। 3 बजे पूरी प्रैक्टिस के साथ में, जैसे एक टीचर, हालांकि मैं नलायक रहा हूं तो मुझे ज्यादा एक्सपीरियंस है, जैसे एक टीचर क्लास में पूछा करता है वैसे मैं यहाँ पर चेहरा देख के पूछूंगा कि किसको याद है और किसको नहीं, और फिर हम सब उसकी वीडियो को इसी स्क्रीन पर देखेंगे। डन। थैंक यू, बाय बाय, विल मीट यू सून। डन। परफेक्ट कर दो।